हेलो एवरीवन, वेलकम टू राउंड टेबल स्टडी। तो देखो बच्चे, स्टार्ट करते हैं क्लास 12 का फिजिक्स चैप्टर नंबर 9, रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। देखो, अगर आपका ये रे ऑप्टिक्स मतलब कि जैसे बेसिकली ये कुछ नहीं है भाई, हमने जो क्लास 10th में हमने जो पढ़ा था ना, ठीक है, लाइट चैप्टर के बारे में, ये उसी से रिलेटेड है और उसी का बेसिक कॉन्सेप्ट है। ठीक है, बस थोड़ा सा इसमें हम एक एक्स्ट्रा जो कुछ बेसिक से कुछ एक्स्ट्रा टर्म्स हैं या फिर जो भी चीज़ें एक्स्ट्रा होंगी हम उनको डिस्कस करेंगे, डिटेल में डिस्कस करेंगे, बट टेंशन वाली बात नहीं है। अगर आपको कुछ भी नहीं पता रे ऑप्टिक्स के बारे में, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के बारे में कुछ भी नहीं पता, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। हम एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे, आप कहोगे सर मज़ा आ गया मतलब। ठीक है, देखो तो है क्या एग्जैक्टली हमें पढ़ना है, रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के बारे में। तो सबसे पहले रे ऑप्टिक्स, अब रे का मतलब तो हम भाई समझ रहे हैं, है ना, मतलब लाइट है, लाइट को एज अ हम लाइट हमारी जो है रे के फॉर्म में चलती है। ठीक है, वो हमारे एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का ये पार्ट है, फिलहाल हम उसको थोड़ा अभी बाद में डिस्कस करेंगे, तो आप उससे रिलेटेड कमेंट मत करना, हम जल्दी उसको अपलोड करेंगे इस चैप्टर के बाद या आने वाले वीडियो में हम उसको अपलोड करेंगे, टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, तो हमने कहा सर हम थोड़ा सा पहले समझते हैं सर ये ऑप्टिक्स क्या। देखो बहुत ही बेसिक सी बातें हम करेंगे, है ना, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, बिना इनके, बिना इस कॉन्सेप्ट के ये चैप्टर आप नहीं पढ़ पाओगे। ठीक है ना, आपको ये सब सारी चीजें पता होनी चाहिए। तो देखो ऑप्टिक्स को बेसिकली, देखो ऑप्टिक्स क्या है ना, हमारी फिजिक्स की एक ऐसी ब्रांच जिसमें हम लाइट से रिलेटेड फिनोमेना का क्या करते हैं, स्टडी करते हैं, जैसे कि उसका नेचर क्या है, उसका जो प्रोपोगेशन हो रहा है वो कैसे हो रहा है। तो ये जो हमारी चीज आती है ना, वो हमारी आती है ऑप्टिक्स में। तो ऑप्टिक्स हमारी क्या हो गई भाई, ऑप्टिक्स हमारी क्या है, ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स स्टडी ऑफ नेचर, प्रोडक्शन एंड प्रोपोगेशन ऑफ लाइट। सिंपल, देखो नोट्स की आपको टेंशन नहीं लेनी है, नोट्स जो है इसके आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, नोट्स आपको डाउनलोड कर लेना है, समझो यहां से, जितनी चीजें आप समझ सकते हो उतनी चीजें आप समझो। ठीक है, बहुत ज्यादा ही ये आसान सा चैप्टर है। देखो तो हमने कहा सर ठीक है, हमें ऑप्टिक्स के, हमने ऑप्टिक्स के बारे में समझ लिया कि ठीक है भाई, हम जो है लाइट की जो हम जो उसका जो प्रोडक्शन कैसे हुआ, उसका प्रोपोगेशन, प्रोपोगेशन का मतलब क्या होता है कि वो चल कैसे रही है। ठीक है, उसका प्रोपोगेशन क्या हुआ, तो ये हम चीजें ऑप्टिक्स में पढ़ते हैं। अब बेसिकली देखो हमें, हम अगर क्लास 12th की बात करें ना, तो इस ऑप्टिक्स को बेसिकली हम दो पार्ट में बांट देते हैं। ठीक है ना, हमने कहा कि भाई ये हमारा जो ऑप्टिक्स वाला जो पोर्शन है वो हमारे दो ब्रांच में बढ़ जाते हैं। एक हमारा होता है रे ऑप्टिक्स, बात समझना, एक हमारा होता है क्या, रे ऑप्टिक्स, और एक हमारा होता है वेव ऑप्टिक्स। ठीक है, क्या होता है भाई, वेव ऑप्टिक्स, बात समझो। देखो बहुत ही सिंपल सी चीज है, दो बातें आपको समझ आई। हमने कहा सर हमारा ये जो ऑप्टिक्स है ना वो दो पार्ट में बेसिकली बढ़ जाता है, एक हमारा बन जाता है रे ऑप्टिक्स, एक हमारा बन जाता है वेव ऑप्टिक्स। देखो अब वेव ऑप्टिक्स की देखो अगर हम बात करें, तो वेव ऑप्टिक्स में जैसे आपको देखने को मिलेगा, इसमें आपको पढ़ोगे ना, इसमें लाइट एज अ वेव नेचर की तरह ये हमारी शो करेगी। ठीक है, ये हमारा वेव नेचर शो करेगा, और इसके अंडर में, इन वेव ऑप्टिक्स के अंदर में हम पढ़ेंगे कि लाइट का जो इंटरफेरेंस होता है वो कैसे होता है। इंटरफेरेंस, वर्ड समझ में आ रहे ना, वर्ड्स आपको कुछ नए नए मिल रहे हैं, बट टेंशन नहीं लो, इंटरफेरेंस। ठीक है, या फिर आप डिफ्रैक्शन के, हाँ डिफ्रैक्शन तो थोड़ा बहुत आपने सुना होगा, या फिर आपके स्कूल में जो है थोड़े जो सर लोग हैं वो आगे अगर चले भी गए होंगे तो आपने सुना भी होगा। तो इंटरफेरेंस है, डिफ्रैक्शन है, पोलराइजेशन है, ये सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे वेव ऑप्टिक्स के अंडर में। तो सर रे ऑप्टिक्स के अंडर में हम लोग क्या पढ़ेंगे, देखो रे ऑप्टिक्स के अंडर में हम लोग ये पढ़ेंगे कि हमारी बेसिकली हम यहाँ पे लाइट का प्रोपोगेशन देखेंगे एक रेक्टिलिनियर मोशन। रेक्टिलिनियर मोशन का मतलब समझ में आता है कि हमारी लाइट कैसे एक स्ट्रेट लाइन में कैसे चल रही, तो उससे रिलेटेड फिनोमेना को हम लोग देखेंगे। फर्स्ट चीज हमने क्या कहा सर, रे ऑप्टिक्स में हमें क्या समझना है, रे ऑप्टिक्स के अंडर में हम लाइट जो है ना किस तरीके से रेक्टिलिनियर मोशन में मूव करती है, आगे बढ़ती है, हम उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर हमारा एक दूसरा यहां से कॉन्सेप्ट आएगा रिफ्रैक्शन, क्या आएगा, रिफ्रैक्शन आएगा एंड रिफ्लेक्शन आएगा, दो अलग अलग चीजें हैं, ध्यान समझना, बहुत ज्यादा इनमें डिफरेंस है ना, कंफ्यूजन एकदम मत रखना। रिफ्रैक्शन हम पढ़ेंगे और हम रिफ्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अब फिर इसके अंडर में फिर हम ये देखेंगे किस तरीके से इमेज का फॉर्मेशन किस तरीके से होगा, जब रिफ्लेक्शन होगा तो इमेज का फॉर्मेशन कैसे होगा, जब रिफ्रैक्शन होगा तो इमेज का फॉर्मेशन कैसे होगा। हम इसमें मिरर्स के बारे में पढ़ेंगे, किसके बारे में पढ़ेंगे भाई, मिरर्स के बारे में पढ़ेंगे और लेंसेज के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, समझ रहे हो, तो ये सारी यानी कि ये जो आपका चैप्टर है रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, फिर हम उसमें टेलीस्कोप ये सब सारी चीजों के बारे में पढ़ेंगे, तो ये वाला पोर्शन हमें जो है इस वाले चैप्टर में पढ़ना है, चैप्टर नंबर 9 में पढ़ना है। ये वाला जो पोर्शन है ये हमें अपने नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ना है, जब हम वेव ऑप्टिक्स हमारा पूरा एक चैप्टर है जब हम उसको पढ़ेंगे तो फिर हम इन सब चीजों को, इन सब फिनोमिनास को हम क्या करने वाले हैं, समझने वाले हैं, बट नेक्स्ट चैप्टर में। फिलहाल हम इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन एंड मिरर लेंसेज के बारे में ही पढ़ने वाले हैं।
ये बात आपको देखो क्लियर हुई यहाँ से कि आपको इस चैप्टर में एक्जैक्टली पढ़ना क्या है। बहुत इजी सा है, बहुत ही इजी इसका एक्सप्लेनेशन है, बस ध्यान से समझते चलो, नोट्स की टेंशन मत लेना। वैसे हम यहाँ पे सारी चीजें लिखेंगे, तो जो बच्चा अगर नोट्स से लिखना चाहता हो तो आप जाकर के नोट से लिखो, अगर नहीं लिखना चाहते नोट से यहाँ से लिखना चाहते हो तो आप यहाँ से लिखो, आपको दोनों चीजें मिल जाएंगी। ओके स्टार्ट किया जाए, तो हमें समझ में आया कि चैप्टर में पढ़ना क्या है। चलो देखो अब हम फाइनल इसको स्टार्ट करते कि सर एग्जैक्टली हम देखो स्टार्ट कहाँ से करते हैं। देखो हमने कहा कि बात समझना, अब इस चैप्टर में बेसिकली हमने कहा कि भाई ठीक है, हम इस रे ऑप्टिक्स में हम क्या पढ़ने वाले हैं कि बेसिकली लाइट जो है ना वो किस तरीके से एक स्ट्रेट डायरेक्शन में, ठीक है ना, एक रेक्टिलिनियर मोशन किस तरीके से करते हैं, हम इसकी स्टडी करने वाले हैं। तो हम ये देखते हैं कि अगर हमारी लाइट की रे, ठीक है, किसी भी एक सरफेस पर कह लो, ठीक है, मान लो जैसे हमने कहा कि हमने हमने मान लो क्या किया भाई, देखो दो लाइट को चलने के लिए क्या मतलब हमने कहा ठीक है, एक हमारी मीडियम है, लाइट हमारी क्या होती है, एक मीडियम से दूसरी मीडियम में ट्रेवल करती है। जब एक मीडियम से अगर दूसरी मीडियम में मान लो वो एंटर कर गई है ना, तो उस फिनोमेना को हम कहते हैं रिफ्रैक्शन। क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्शन। जैसे मान लो आपके पास कोई ग्लास है ना, और आपने उसको सन के ऐसे सामने ऐसे रख दिया, अब देखोगे कि जो ग्लास से जो सन की जो रेज है वो दूसरी तरफ चली गई ना, तो ये जो फिनोमिना हुआ ये हुआ रिफ्रैक्शन। याद रखना क्या रिफ्रैक्शन। अच्छा रिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है? मतलब रिफ्लेक्ट हो जाना, कहते हैं ना रिफ्लेक्ट हो गया, दैट मीन्स टकराया, स्ट्राइक किया उस सरफेस पर और स्ट्राइक करके वापस अपने सेम मीडियम में चला गया, दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। दो बातें है ना। देखो तो यहां से हमें बेसिकली तीन चीजें समझनी होती हैं। तो यहां पे आप एक छोटी सी हेडिंग लगाओ, एक छोटी सी आप हेडिंग लगाओ क्या, हम यहां से ये देखने वाले हैं बिहेवियर ऑफ लाइट एट द इंटरफेस ऑफ टू मीडिया। टू मीडिया का देखो मतलब है टू मीडियम, ठीक है ना। टू मीडियम मतलब कैसे भाई? हमने कहा कि मान लो एक वाटर है, एक मान लो ये नीचे वाटर रखी हुई है और ऊपर जो है एयर है, तो देखो दो मीडियम हुए ना, एक ऊपर का मीडियम हुआ एयर और एक नीचे ये वाटर वाला मीडियम हुआ, तो दो मीडियम हुए। मीडियम समझ रहे हो, मीडियम में क्या होती है, मीडियम में हमारी जो है लाइट क्या करी, ट्रेवल करी, एक मीडियम से दूसरी मीडियम में जा सकती है या एक मीडियम से टकरा करके दूसरी मीडियम में भी वापस आ सकती है। तो देखो अगर हमारी मीडियम, अब हम फिर बात करेंगे भाई बेसिक सी बातें हैं कि भाई हमारा जो मीडियम होता है वो भी हमारे तीन तरीके का होता है, एक हमारा होता है ट्रांसपेरेंट, एक हमारा होता है ओपैक और एक हमारा होता है ट्रांसलूसेंट ना। तो बेसिकली हमारे तीन तरीके के मीडियम होते हैं। तो अगर हमारा मीडियम अगर ट्रांसपेरेंट, ध्यान से वर्ड्स को समझो, अगर हमारा मीडियम बात समझो, अगर हमारी मीडियम ना, हमने कहा ना, देखो हमने कहा कि मान लो अगर हमारी मीडियम क्या हो, मीडियम मान लो हमारी अगर ट्रांस ओपैक हो, क्या हो मीडियम हमारी, क्या सी ओपैक हो, ठीक है। ओपैक मतलब क्या होगा भाई कि लाइट टकराई और टकरा करके देखो तो क्या होगी, लाइट इस ओपैक वाले मीडियम से स्ट्राइक करेगी, इस ओपैक वाले मीडियम पर स्ट्राइक करेगी और स्ट्राइक करके क्या हो जाएगी, वापस उसी मीडियम में, सेम मीडियम में आ जाएगी। तो ये जो फिनोमिना हुआ लाइट का, हम इसको कहेंगे क्या, ये हमारा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट शो कर रहा है, पहली चीज। तो ये हमारा यहां से मे बी तीन पॉसिबल कंडीशन हो सकते हैं। तो अभी हमने फर्स्ट कंडीशन समझा, हमने क्या कंडीशन समझा कि हमने कहा कि इफ अ पार्ट ऑफ रे, ठीक है, या पार्ट ऑफ लाइट कह लो, इज टर्न बैक इनटू फर्स्ट मीडियम, ठीक है, फर्स्ट मीडियम में वापस आया, ठीक है, टकराया और टकरा करके मान लो फर्स्ट मीडियम में वापस आ गया, समझ रहे हो। तो अगर फर्स्ट मीडियम में जैसे कि वो देखे हो आपके पास जो मिरर होता है जिसमें आप अपना फेस देखते हो ना, उसको सन के सामने ऐसे ले जाओ और देखो सन की रे क्या होगी, इस पर फॉल होगी और वापस टकरा करके वो थोड़ा ऐसे कि पीछे निकल गई, ऐसे पीछे नहीं निकला ना, वापस क्या कर दिया, रिफ्लेक्ट कर दिया लाइट को, रे को, ठीक है। तो हमने कहा पार्ट ऑफ रे इज टर्न बैक इनटू फर्स्ट मीडियम। ओके तो यानी कि ये जो फिनोमिना हुआ, दिस फिनोमिना इज कॉल्ड, इस फिनोमिना को हम क्या कहेंगे, रिफ्लेक्शन। क्या बोलेंगे भाई? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। दो बातें, पहली बात, तीन बातें हमें यहां से समझनी है। तो हमने पहली बात समझी क्या भाई, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है कि टकराई और टकरा करके वापस अपने उसी मीडियम में चली गई। दैट मीन्स जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया आपके मिरर वाला जिसमें आप फेस देखते हो, समझ ना, फेस देखे ना, तो ऐसा थोड़ा ना कि फेस देखा और जो है आपका फेस आपको दिखा ही नहीं। नहीं दिखने का मतलब है, पता है क्या हुआ, नहीं दिखने का मतलब है कि लाइट जो है ना वो दूसरी तरफ निकल गई। जैसे कोई एक मस्त एकदम ग्लास ले लो, ठीक है, जिसमें सारी चीजें
ट्रांसपेरेंट एकदम फुली ट्रांसपेरेंट हो, उसमें फिर आप अपना फेस देखो, नहीं दिखेगा। क्यों नहीं दिखा? क्योंकि लाइट टकरा करके वापस आपके मीडियम में आई नहीं। आप जिस मीडियम में खड़े हो ना, उसमें वापस हमारी जो लाइट है ना, जो आपके फेस से जो लाइट निकली वो टकराई और वापस आपके मीडियम में नहीं आई, तो नहीं आई, दैट मीन्स आपको अपना फेस नहीं दिखा, ठीक है। लेकिन भाई अगर हम बात करें मिरर की, तो मिरर देखो क्या होता है, हमें अपना फेस दिखा देता है। क्यों? क्योंकि हमारे फेस से जो भी लाइट स्ट्राइक हुई इस मिरर पर टकराई और टकरा करके वापस आ गई। समझ रहे हो, फील कर पा रहे हो इमेज मिरर के सामने अपने आप को इस तरीके से फील करके समझ पा रहे हो, है ना। तो ये हमारा हो गया रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। नाउ देखो, फिर हमने कहा कि दूसरा देखो कंडीशन क्या है, हमने कहा कि इफ हमारी लाइट जो है ट्रांसमिटेड हुई, मतलब सॉरी हमारी जो लाइट है वो किसी मीडियम पर, हमने कहा कि मान लो किसी, ऐसे कह ले कि किसी भी ऑब्जेक्ट पर, वो हमारा ऑब्जेक्ट अब क्या हो सकता है, मान लो हमारा ऑब्जेक्ट अगर वो ट्रांसपेरेंट हो सकता है, तो स्ट्राइक भी और स्ट्राइक होकर के क्या कर गई, दूसरी मीडियम में चली गई। तो अब हाँ, दूसरी मीडियम में चली गई और साथ ही साथ उसका डायरेक्शन भी चेंज हुआ। इंपॉर्टेंट चीज देखो, यानी कि जब भी रिफ्रैक्शन होगा, बात समझना, रिफ्रैक्शन के केस में है ना, रिफ्रैक्शन जब भी होगा तो जो रे की जो डायरेक्शन है, ठीक है, वो चेंज हो जाएगी, है ना। अभी हम इसको फिगर के थ्रू समझेंगे, टेंशन नहीं लेना है। देखो बात समझो, ठीक है, दो चीजें आपको समझ में आई कि क्या हुआ, स्ट्राइक करके क्या हुआ, वापस नहीं दूसरे मीडियम में चली गई। तो उस टाइप के फिनोमेना को हमने क्या कह दिया, रिफ्रैक्शन। और रिफ्रैक्शन में हमेशा एक बात याद रखनी है कि हमेशा जो है रिफ्रैक्शन जब भी होगा तो उसका जो रे होगा ना, वो अब उसकी डायरेक्शन जो है वो बदल जाएगी। बट एक कंडीशन ऐसी भी है, वो हम अभी फिलहाल बाद में डिस्कस करेंगे, एक कंडीशन ऐसी भी है जिसमें उस रे की डायरेक्शन बदलती नहीं है, रे ऐसे गई और सीधे निकल जाती है, तो उसकी स्पेशल कंडीशन है, वो हम फिलहाल अभी बात में करेंगे। तो फिलहाल यहां से आपको दो बातें समझ में आई, केवल एक ही कंडीशन है, यहां से आपको दो बातें समझ में आई कि एक ये होगा रिफ्लेक्शन हो जाएगा और एक हमारी जो है लाइट है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में चली जाएगी और हमेशा उसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। देखो तीसरा फिनोमिना ये हो सकता है ना कि मे बी लाइट हमारी जिस सरफेस पर गिरी, शायद वो सरफेस कुछ ऐसा हो कि उसने लाइट को क्या कर लिया, एब्जॉर्ब कर लिया उसने उस लाइट, भाई है ना, वो हमारी जो लाइट वगैरह हमें पता है ना फोटॉन्स के फॉर्म में चलती है, सब हम लोग इलेक्ट्रो ईएमवे में पढ़ेंगे, बट उतना ज्यादा उससे कनेक्टेड ये नहीं है फिलहाल समझो, ठीक है। तो उसकी जो एनर्जी है, मतलब जो लाइट है ना, वो लाइट जो है वो क्या हो गई, वो एब्जॉर्ब हो गई पर्टिकुलर उस सर्फेस के थ्रू। तो यहां पर तीन फिनोमिना हो गए, क्या हुआ यहां पर, एक और फिनोमिना हुआ क्या, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट। ये हमें तीन फिनोमिना यहां पे हमें समझ में आ गई कि रिफ्लेक्शन क्या है, रिफ्रैक्शन क्या है और एब्जॉर्प्शन क्या है। देखो इसको सिंपल से हम एक फिगर के थ्रू समझते हैं। हमने कहा सर चलो ठीक है, हम ऐसा करते हैं कि हम यहां पर एक जो है एक ऑब्जेक्ट रखते हैं, है ना। अब इस ऑब्जेक्ट को हम अपने अकॉर्डिंग जो है वो चेंज कर लेंगे, समझ गए, इस ऑब्जेक्ट को कैसा भी ऑब्जेक्ट बना लो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है बनाना, ये हम आपको थोड़ा सा ऐसा समझाना चाहते हैं, ठीक है। इस वजह से हमने ऐसा एक ऑब्जेक्ट ले लिया, ऐसा कोई जरूरी बनाना नहीं है, ठीक है। हमने कहा मान लो ये ऑब्जेक्ट थी, अब क्या हुआ देखो, इस पर जो लाइट है वो ऐसे मान लो फॉल हुई, ठीक। अच्छा कुछ बेसिक से टर्म्स हम लोग और समझते हैं। देखो लाइट जो फॉल होती है उसको हम लोग कहते हैं इंसिडेंट रे। ये लाइट अगर इस पर फॉल हुई ना, तो इस लाइट को हम लोग क्या बोलेंगे, इस लाइट को हम लोग बोलेंगे इंसिडेंट रे। ये इंपॉर्टेंट कुछ टर्म्स है, इंसिडेंट रे बोलेंगे। अब देखो क्या होगा, मे बी पॉसिबल कंडीशन क्या है, अगर मान लो ये हमारी जो ऑब्जेक्ट है अगर कंप्लीटली अगर एक ओपेक ऑब्जेक्ट है, मतलब कि इसके थ्रू कोई भी लाइट दूसरी मीडियम में जा नहीं सकती है, तो क्या होगा, ये लाइट यहां पर आएगी और ऐसे टकरा करके वापस चली जाएगी, तो इसको हम बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रे। क्या बोलेंगे भाई, रिफ्लेक्टेड रे, क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्टेड रे, बात समझना। अच्छा दूसरी देखो पॉसिबल कंडीशन क्या हो सकती थी, दूसरी पॉसिबल कंडीशन ये भी हो सकती थी कि ये, अच्छा यहां पर क्या होता है कि जिस भी मीडियम पर हम लाइट को फॉल कराते हैं तो हम एक इमेजिनरी लाइन मानते हैं, वहां पर हम एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं। ये सब बेसिक से टर्म्स हैं, है ना। हम क्या करते हैं, हम इस पॉइंट पर क्या करेंगे, जिस भी पोजीशन पर हमारी लाइट फॉल हुई, हम उस पॉइंट से क्या करते हैं, हम एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं। ये हमारा मान लो एक नॉर्मल, एक इमेजिनरी लाइन है, नॉर्मल है, ठीक है। अच्छा अब ये तो हमारी रे रिफ्लेक्ट हो गई, मे बी ऐसी भी कंडीशन आ सकती थी कि लाइट हमारी दूसरी मीडियम में चली जाती, और हमने एक बात बताया आपको, एक नोट में आपको एक चीज दी कि मैंने आपको एक बात बताया कि हमेशा उसकी डायरेक्शन क्या होती है, चेंज हो जाती है। तो चलो देखो, ये मे बी जाना था इसको ऐसे सीधा, देखो ये ऐसे सीधा आता ना, ऐसे सीधा आता, लेकिन ऐसे हल्का सा बेंड हो गया, या मे बी इधर की तरफ बेंड हो सकता है, मे बी इधर की तरफ बेंड हो सकता है, तो ये हम डिस्कशन करेंगे फिलहाल। अभी हम एक जल्दी जल्दी से हम लोग कुछ बातें को जल्दी से समझ लेते हैं। वो बेसिकली डिपेंड करता है कि हमारा जो मीडियम है वो रेयर से डेंसर में आ रहा है, डेंसर से रेयर में आ रहा है, हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे, टेंशन लेने वाली बात नहीं है।
ओके तो हमने कहा सर ये जो हमारी रे मिली इसको हम लोग कहते हैं रिफ्रैक्टेड रे। क्या बोलते हैं बच्चे? रिफ्रैक्टेड रे बोलते हैं। ओके इतनी बात आपको समझ में आई? तो मे बी रिफ्लेक्शन होगा, मे बी रिफ्रैक्शन होगा, या मे बी एब्जॉर्प्शन भी हो सकता है ना। मे बी हमारा ये जो सरफेस है ना, ये जो सरफेस है ये क्या कर सकता है, ये इस रे को यानी कि इस लाइट को एब्जॉर्ब भी कर सकता है। जैसे हमारी जो ब्लैक बॉडी होती है वो लाइट को क्या करती है, एब्जॉर्ब करती है, हीट प्रोड्यूस करती है। समझ में आ रही बात? तो मे बी तीन फिनोमेना यहां से हो सकते हैं। अब यहां से दो इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात आपको देखो यहां से समझ में आनी चाहिए, दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपका यहां से है कि लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, क्या भाई? लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। देखो अब हम बात करते हैं अपने प्लेन मिरर की। देख भाई प्लेन मिरर का मतलब क्या है, जैसे आप अपने खड़े होकर के जो आप सुबह सुबह अपना जो मस्त सा एकदम बढ़िया वाला जो फेस देखते हो ना अपने शीशे में, है ना, वही है आपका प्लेन मिरर। प्लेन मिरर मतलब कि आप जैसे हो वैसे ही आपका जो है इमेज आपको नजर आएगा, ना तो ज्यादा बड़ा, ना तो ज्यादा छोटा, ना तो चपटा, ना तो कैसा भी कुछ। भाई जैसे हो आप, जितने सुंदर आप हो उतने ही सुंदर आप नजर आओगे अपने प्लेन मिरर में। दैट इज वो हमारा प्लेन मिरर होता है। अब देखो, अब ऐसा नहीं कि लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन केवल प्लेन मिरर में ही वर्क करता है, ये हमारे स्फेरिकल मिरर के लिए भी वर्क करेगा। ये बात याद रखनी, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। हम लोग बात करते पहले लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन की। देखो यहां से हम लोग जो है ना, पहले हम लोग रिफ्रैक्शन, सॉरी ओके, यहां से देखो हम लोग जो है रिफ्लेक्शन वाला फिनोमेना पढ़ रहे हैं। कौन सा फिनोमेना पढ़ रहे हैं? इस वीडियो में हम केवल और केवल बात करेंगे रिफ्लेक्शन वाले फिनोमेना की। ठीक है, क्लियर है? किसकी बात करने वाले हैं? रिफ्लेक्शन वाले फिनोमेना की। ठीक है ना, हमने ये बेसिक सी बात समझ ली कि हाँ भाई हमें दो चीजें पढ़नी है, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। नाउ अब हम इस वीडियो में, पूरे पूरे की वीडियो में हम बात करेंगे अपने रिफ्लेक्शन वाले फिनोमेना की। ओके देखो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन बेसिकली क्या है, ये कुछ नहीं बोला गया। जैसे मान लो हमने कहा कि इस चीज को हम मिटाते हैं, ठीक है ना, हम बात करते हैं अपने प्लेन मिरर की। इस चीज को मिटा दिया जाए, ये चीजें आपने इतनी नोट डाउन कर ली, ठीक है, चलो मिटाते हैं इसको। ऐसे सब देखो देखते चलो जल्दी जल्दी, है ना, ये बहुत ज्यादा वो नहीं है। हाँ लेकिन ये सब चीजें पता होनी चाहिए, बिना इनके जो है आप इस चैप्टर को हिला नहीं सकते। अच्छा देखो हमने कहा सर क्या है, हमने कहा कि चलो मान लेते हैं मेरे पास एक कोई प्लेन मिरर। देखो भाई मिरर कैसे बनाते हैं, तो आप कोई भी एक ग्लास ले लो, ग्लास लेकर के क्या कर दो, तो उसके पीछे पॉलिशिंग कर दो। तो देखो भाई पीछे तो आपने पॉलिशिंग कर दी, यानी कि आप जिस शीशे के सामने खड़े हो तो उस शीशे के पीछे क्या होती है, पॉलिशिंग होती है, ठीक है ना। अब उसके सामने का जो सरफेस होता है ये हमारा होता है रिफ्लेक्टिंग सरफेस, यानी कि ये जो आपको जो इधर इस साइड वाला जो सरफेस नजर आ रहा है, ऊपर साइड वाला जो सरफेस आपको जो नजर आ रहा है वो आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है। कैसा सरफेस है भाई? रिफ्लेक्टिंग। अब अगर देखो रिफ्लेक्टिंग सरफेस अगर जो है मान लो बहुत ज्यादा खुरदुरा है ना, तो रिफ्लेक्शन जो है अच्छे से नहीं होगा, है ना। बहुत सारे जो है, जैसे मान लो ग्लास अगर टूट जाता है तो क्या होता है, एक नहीं दो दो कई सारे जो है नजर आने लगते हैं ना, ये बात है, ठीक है। तो ये चीज है, फिलहाल हमने कहा कि ठीक है हमने इसको पॉलिश कर दिया। अब देखो क्या हुआ, मान लो यहां से हमारी एक रे जो है इंसिडेंट करी, और जिस पॉइंट पर इंसिडेंट करी हम उस पॉइंट पर क्या कर लेते हैं, एक नॉर्मल ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारा क्या है, एक नॉर्मल है, और क्या हुआ ये हमारी इंसिडेंट रे, मैंने आपको बताया ये आपकी कौन सी रे है, इंसिडेंट रे है। तो क्या हुआ, लाइट यहां पर, रे यहां पर आई और स्ट्राइक करी, और स्ट्राइक करके वापस उसी मीडियम में वापस चली गई, इसी मीडियम में वापस चली गई। अब देखो ये आपका है नॉर्मल, क्या बच्चे, ये आपका नॉर्मल है, नॉर्मल है, ये आपका है इंसिडेंट रे, ठीक है, ये आपका है इंसिडेंट रे, और ये आपका है रिफ्लेक्टेड रे। क्या है ये? रिफ्लेक्टेड रे आ रहा है, रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। तो क्या हुआ कि इस नॉर्मल के बीच में और इंसिडेंट के बीच में एक एंगल बना, जिसको हमने क्या दिया, आई, इसको हमने क्या दिया, एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्या बोला, एंगल, एक एंगल बना ना नॉर्मल के बीच में और इंसिडेंट रे के बीच में एक एंगल बना, दैट इज हमने इसको क्या दिया, आई। फिर सिमिलरली इस रिफ्लेक्टेड रे के बीच में और नॉर्मल के बीच में एक एंगल बना, जिसको हमने बोल दिया आर, जिसको हमने बोला रिफ्लेक्टेड, हमने इसको बोला क्या, हमने बोला रिफ्लेक्शन एंगल, ठीक है। अब देखो तो यहां से बेसिकली दो लॉ आपको दिए गए जो कि आपको पता होगा। पहला लॉ क्या बोलता है कि रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है, नॉर्मल, सॉरी इंसिडेंट रे, नॉर्मल, या आपका जो नॉर्मल है ना, इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन सेम प्लेन। देखो कितना सिंपल सा डेफिनेशन है, रिफ्लेक्टेड, सॉरी इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन सेम प्लेन, है ना। तीनों के तीनों क्या होते हैं, आपस में सेम प्लेन में सिचुएटेड होते हैं। लिख लोगे आप, लिख लो फिर से, इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन सेम प्लेन। ये हमारा फर्स्ट लॉ, ये हमारा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का फर्स्ट लॉ है, ठीक है। तो दूसरा देखो लॉ क्या हो गया, कुछ नहीं भाई, दूसरा लॉ बड़ा ही आसान है। उन्होंने कहा कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है,
ठीक है, जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होता है। दूसरा लॉ, मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉ, उन्होंने कहा कि जो हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंट है, द एंगल ऑफ इंसिडेंस ठीक है, इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम लोग किस रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आई से, दैट मीन एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। ये दो बातें ठीक है। कहने का देखो सीन क्या है कि मान लो अगर हमने कहा भाई, अगर मान लो 45 डिग्री पर अगर कोई मान लो रे अगर आपके शीशे पर है ना, आपके मिरर पर अगर कोई 45 डिग्री अगर आपका रे जो है पड़ रहा है, तो वो 45 डिग्री से ही क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। समझ में आ गई बात है ना। अच्छा क्या हो, मान लो कि अगर हमारी रे ऐसे ना जाकर के मान लो अगर ऐसे फॉल हो, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे कि ये हमारी जो है नॉर्मली क्या हो रही है, मतलब यानी कि देखो हमने कहा भाई अगर 45 डिग्री होगा तो कितना होगा, ये भी कितना बनाएगा 45 डिग्री, हमारा आर भी होगा। और मान लो हमने कहा कि नहीं नहीं अगर ये मान लो 0 डिग्री पर अगर फॉल हो, अगर आई अगर हमारा 0 डिग्री हो तो आर भी कितना होगा भाई, 0 डिग्री होगा। मतलब ऐसे आएगी, ऐसे आएगी, ऐसे आई और ऐसे वापस चली गई। समझ गए ठीक है। हमेशा रे के थ्रू हम रिप्रेजेंट करेंगे, ये रे दिखाना जरूरी, बहुत ज्यादा जरूरी, बिना इसके समझ में नहीं आएगी कौन सी रे किधर की तरफ आ रही है। तो एक रे इधर से आई और ऐसे वापस इसी तरफ चली गई, क्योंकि 0 डिग्री पर आई और 0 डिग्री पर चली गई। तो आपको ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन समझ में आया, बहुत इजी था ये। नाउ देखो दूसरा हम एक टर्म समझते हैं, स्फेरिकल मिरर है ना। जिन बच्चों को स्फेरिकल मिरर में कंफ्यूज होता है, मतलब कंफ्यूजन होता है, कहने का मतलब कि सर कौन सा कॉनकेव लेते हैं कौन सा कॉन्वेक्स लेते हैं, तो इसके बाद से आपको कोई भी कंफ्यूजन होने वाला नहीं है। देखो स्फेरिकल मिरर जैसे क्या होता है, बेसिकली हमने कहा कि अब जैसे कि नाम से ही लग रहा है, स्फीयर क्या होगा, कोई एक स्फीयर होगा, हॉलो स्फीयर होगा। कैसा स्फीयर होगा, हॉलो मीन्स अंदर से खाली होगा, भरा हुआ नहीं होगा, जैसे वो जो खेलता ना कंचा वंचा, वो वाला कंचा नहीं, वो तो अंदर से पूरी तरीके से फिल्ड होता है ना, नहीं ऐसा नहीं, सेम वैसे ही शेप का हो, बस अंदर से वो हॉलो खाली हो, है ना, एम्प्टी स्पेस हो उसके अंदर, कुछ नहीं हो ठीक। तो जस्ट लाइक कुछ वैसा ही है ना, जैसे आप फिर आप और भी अपने डेली लाइफ में कुछ अपने एग्जाम्पल देखो, वैसे आप इमेजिन कर लो। तो बेसिकली देखो स्फेरिकल मिरर होता क्या है, तो हमने कहा भाई मेरे पास एक हॉलो स्फीयर होना चाहिए और उसका एक पार्ट, मतलब ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा नहीं, जैसे बात समझो, हमने कहा मान लो मेरे पास अगर ये एक स्फीयर है, क्या है ये, एक स्फीयर है, समझो ये थोड़ा सा क्या है, ये मान लो आपका ये एक स्फीयर है ठीक है ना। तो हमने क्या किया, हमें पूरा का पूरा स्फीयर नहीं लेना, हमें स्फीयर का एक पार्ट लेना है। तो भाई देखो इसके दो पार्ट बने, एक स्फीयर में बेसिकली दो पार्ट होंगे ना, तो मान लो एक ये वाला आपका पोर्शन देखो बना, एक ये पार्ट बना, आरी बात समझ में, एक ये वाला पार्ट बना। अब बात समझना, हम कहते हैं भाई देखो स्फीयर मेरे बेसिकली मेरे दो टाइप के होते हैं, बात समझना, क्या होते हैं दो टाइप। हमने एक पार्ट लिया और हमने इसके दो पार्ट, हमने देखा अच्छा अच्छा एक तो ऐसा बन गया, एक देखो एक मतलब ऐसे शेप में आ गया, एक ऐसे शेप में आ गया। अब हम इसको कब कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर कब बनाते हैं, तो कॉनकेव और कॉन्वेक्स को समझने से पहले थोड़ी सी कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट बात समझो। क्या होता है कि जब भी किसी मिरर को हम रखते हैं तो हमेशा ऑब्जेक्ट को हम लेफ्ट साइड में रखते हैं, मतलब कि जब भी हम किसी भी इंसिडेंट रे को किसी भी मिरर पर फॉल कराते हैं तो हमेशा हम लेफ्ट की तरफ से फॉल कराते हैं, लेफ्ट की तरफ से चलते हैं। किसकी तरफ से चलते हैं भाई, लेफ्ट की तरफ से चलते हैं। अब बात समझो, यहां पे हमने कहा कि सर हमारे जो इस तरह का मिरर होते हैं वो दो तरीके के होते हैं। फर्स्ट हमारा होता है क्या, बात समझना, फर्स्ट हमारा होता है कॉनकेव, क्या होता है कॉनकेव, कॉनकेव मिरर, और सेकेंड हमारा होता है कॉनवेक्स, क्या होता है भाई कॉनवेक्स मिरर, बात समझो मेरी बात समझो, कॉनवेक्स मिरर और कॉनकेव मिरर। अब सर कब हम कॉन्वेक्स मिरर लेंगे कब कॉनकेव मिरर लेंगे, अब ये सर हम कैसे पता करें, देखो बहुत ही आसान सा सिंपल सा एक तरीका है। आपने कहा सर कॉनकेव केव, तो केव जस्ट लाइक क्या वर्ड आ रहा है, केव आ रहा है ना, समझ लो केव मतलब क्या होगी, जो रे होगी वो केव के अंदर एंटर करेगी, दैट मीन्स केव ठीक है। तो अब देखो केव हमारा केव वाला पोर्शन, भाई हमने कहा सर हमारी जो रे है वो क्या करते हैं कि हम लेफ्ट से राइट की तरफ फॉल कराते हैं, समझना, लेफ्ट से राइट की तरफ हम क्या कराते हैं, स्ट्राइक कराते हैं लेफ्ट से राइट। तो लेफ्ट से राइट के लिए ऐसा कौन सा शेप है जो केव की तरह है, दैट इज ये वाला पोर्शन है ना, ये वाला पोर्शन। तो इस वाले पोर्शन को यहां ले लो, इस वाले पोर्शन को यहां ले लिया हमने। अच्छा अगर ये स्फीयर है तो इसका एक सेंटर होगा, अगर ये स्फीयर है भाई तो इसका क्या होगा, एक सेंटर होगा, बिल्कुल होगा। अब देखो क्या करना है, हमने कहा देखो अगर हमें रिफ्लेक्शन, भाई हमने कहा भाई अगर हमने अपने ऑब्जेक्ट को, बात समझना, अगर हमने अपने ऑब्जेक्ट को, ये सब सारी चीजें भी हम समझेंगे
हमारी क्या होती है, हमारी एक प्रिंसिपल एक्सिस होती है सबसे, फिलहाल अभी समझो बेसिक सी बातें तो आपको पता ना, अभी हम लोग इसके बारे में समझेंगे। हमने कहा कि अगर हम रेज को अगर हम इधर की तरफ अगर फॉल कराते हैं, यानी कि हमें पॉलिशिंग किधर की तरफ करनी पड़ेगी, इस तरफ। तो इस टाइप का हमें जो मिरर मिलेगा वो हमें, इस टाइप के मिरर को हम लोग क्या बोलेंगे, इस टाइप के मिरर को हम लोग बोलेंगे क्या, कॉनकेव मिरर। ठीक है, सिमिलरली अब इसका जस्ट उल्टा ले लो, यानी कि ये वाला ले लो, ये वाला ले लो, बात समझो, ये वाला हमने ले लिया सर। ठीक है सर, ले लिया। सर ने क्या बताया है कि हमेशा जो ऑब्जेक्ट यानी कि हम रखेंगे वो किधर की तरफ रखेंगे, लेफ्ट साइड की तरफ रखेंगे, तो ऑब्जेक्ट से ही तो क्या चलेगी, लाइट चलेगी ना, समझ रहे हो। तो ऑब्जेक्ट से मान लो लाइट चलेगी, ठीक है, तो यानी कि इसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो इधर होना चाहिए ना, समझ रहे हो मेरी बात, समझ रहे हो, रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है वो इस तरफ होना चाहिए ना, इस तरफ, जिस तरफ भाई ऑब्जेक्ट रखे हैं आपने, है ना। मान लो आप इसके, आप मिरर के सामने आकर के खड़े हो गए, तो आप मिरर के सामने आकर के क्यों खड़े हुए, क्योंकि उसकी जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो आपकी, अब वो आपकी तरफ है। ऐसा थोड़ी ना होगा कि आपको जो अपना फेस देखना होगा और आप मिरर के पीछे साइड चले जाओगे, हैं, ऐसा होगा क्या, नहीं होगा, हैं, पीछे साइड कोई उसकी दुनिया है ही नहीं, पीछे वाली दुनिया इमेजिनरी दुनिया होती है, हम लोग समझते हैं इस चीज को। तो हमने कहा सर ये जो है ना हमें रिफ्लेक्टिंग सर्फेस सर इधर चाहिए, तो इधर चाहिए, दैट मीन्स इसको हमें क्या करना पड़ेगा, इसको हमें इस तरफ से क्या करना पड़ेगा, पॉलिश करना पड़ेगा, समझ रहे हो। किससे पॉलिश करते हैं, रेड ऑक्साइड से हम लोग इसको पॉलिश करते हैं, वो सारी की सारी चीजें आपको मिल जाएंगी नोट में। दो चीजें आपको समझ में आई, कॉनकेव मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर है। कॉनकेव मिरर बनाना होगा तो हमने ऐसे बनाया भाई, हमारी जो लाइट रे है, माने हमारी जो इंसिडेंट रे है वो केव के अंदर एंटर करनी चाहिए और कॉन्वेक्स में जस्ट इसका अपोजिट। हाँ, लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि दोनों ही केसेस में लाइट रे इधर से ही एंटर करनी चाहिए, वह भी जब चेंजेस आएगा तो फिर हम लोग देखेंगे। फिलहाल मिरर को याद रखने का तो एक तरीका, आप पहले तो समझ लो बेसिक सी बातें, तो समझ लो, है ना। तो हमेशा लाइट हमेशा किधर से चलेगी, हमें हमेशा लेफ्ट टू इंसिडेंट जो रे होगी वो हमेशा लेफ्ट टू राइट की तरफ चलेगी, ठीक है। और अगर लेफ्ट टू राइट की तरफ चलती है तो हमेशा हमें अपनी क्या, हमें अपना जो रिफ्लेक्टिंग सर्फेस है वो हमेशा किधर की तरफ रखना पड़ेगा, लेफ्ट की तरफ रखना पड़ेगा। रिफ्लेक्टिंग सर्फेस किधर की तरफ रखना पड़ेगा, लेफ्ट की तरफ रखना पड़ेगा। आगे बात समझ में, अब कॉनकेव और कॉन्वेक्स में कंफ्यूजन आपको नहीं होगा। कॉनकेव का मतलब जस्ट लाइक दिस केव, और हमेशा याद रखो केव क्यों बना रहे भाई, ऐसे क्यों क्यों नहीं, ये भी तो सर केव है, नहीं नहीं तो यहाँ पे केव तो है लेकिन ये हमारी लाइट इस केव के अंदर नहीं जा रही है। तो अब इसका सर एक और सिंपल सा डेफिनेशन हमने कहा, देखो कि कॉनकेव मिरर हमारे ऐसे मिरर होते हैं जिनका जो सेंटर, यानी कि देखो अब अगर ये मान लो हमने एक मिरर का, अगर हमने ये पार्ट लिया, हमने स्फीयर का क्या किया, देखो बच्चा यहाँ पे हमने स्फीयर का हमने क्या किया, एक पार्ट लिया है, तो इस स्फीयर का भी क्या होगा, मान लो अगर आप इसको अगर एक मिरर का अगर आप इसको अगर शेप देखो, मतलब स्फीयर का अगर आप इसको अगर एक शेप दोगे तो कहीं ना कहीं इसकी यहाँ पर एक सेंटर होगी। तो हमने कहा कि सर हमारे जो कॉनकेव मिरर होते हैं ऐसे हमारे मिरर होते हैं जिनका रिफ्लेक्टिंग जो सर्फेस है ना, जिनका रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ये देखो ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, सिंपल से डेफिनेशन क्या हो जाएगी कि जिनका रिफ्लेक्टिंग सरफेस इस सेंटर की तरफ होता है, तो उस मिरर को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉनकेव मिरर। सिंपल, देखो हमने क्या कहा, हमने कहा कि कॉनकेव मिरर ये कहते हैं क्या कि हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस टुवर्ड्स सेंटर ऑफ स्फीयर, टुवर्ड सेंटर ऑफ स्फीयर ऑफ विच द मिरर इज पार्ट, भाई जिस पार्ट, जिस स्फीयर का पार्ट है उसी स्फीयर की हम बात करें ना। तो देखो इधर इस वाले मान लो स्फीयर का पार्ट है तो इसका देखो सेंटर किधर इस तरफ है, हमने कहा कि जिसका रिफ्लेक्टिंग सर्फेस यानी कि ये वाला भाई रिफ्लेक्टिंग सर्फेस है ना, हम मिरर के सामने आकर के तो खड़े होंगे, यहां पर मान लो आप कोई आकर के खड़े हो तो जिसका रिफ्लेक्टिंग सर्फेस क्या है वो सेंटर की तरफ हो, तो ऐसे मिरर को हम लोग बोलते हैं क्या, कॉनकेव मिरर। नाउ हम बात करें अगर कॉन्वेक्स मिरर की, तो इसका जस्ट आप अपोजिट बोल सकते हो कि हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज जस्ट अवे फ्रॉम, है ना, जस्ट अवे फ्रॉम दी क्या, सेंटर, सेंटर ऑफ स्फीयर। तो इस टाइप के मिरर को हम लोग बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर। अब देखो समझते चलो मेरी बात समझो, अब अगर आपको मिरर से रिलेटेड अगर आपको इमेजेस को अगर समझना है बच्चे, मेरी बात समझना ध्यान से, तो आपको दो बातें समझनी पड़ेंगी। देखो मिरर, जैसे आपने कहा सर मिरर की, जैसे आपके सामने अगर एक मिरर है, ठीक है, मिरर है और आप मान लो यहां पर मस्त खड़े होकर के अपने आप को देख रहे हैं, सर क्या है, क्या नजारा है, कितने मस्त हैं हम, पता नहीं क्या क्या बना दिया सर आपने, है मेरे को, आप खड़े होकर के अपने आप को देख रहे हो, दो बातें समझना, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहे हैं। तो ये बताओ इधर वाली जो पोर्शन होगी और एक मिरर आपके तो ना सर, एक इधर इमेज बन गया, एक इधर इमेज बन गया, एक इधर इमेज बन गया, तो सर इसका क्या मतलब है, जैसे होता है ना, जैसे प्लेन मिरर में आप जितनी ज्यादा दूर जाते हो आपकी इमेज भी उतनी ही ज्यादा दूर जाती है, तो क्या सर मिरर के पीछे कोई दुनिया है क्या, हाँ है, लेकिन कैसी, वर्चुअल वर्ल्ड है। कैसी वर्ल्ड है भाई, वर्चुअल दुनिया है,
वर्चुअल वर्ल्ड, वर्चुअल मतलब जिसका कोई अस्तित्व नहीं है, जिसकी कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, ठीक है। तो आप जितनी दूर पीछे जाओगे उतनी ही दूर आपकी इमेज भी पीछे जाएगी, लेकिन वो वर्चुअल में जा रही है, समझ रहे हो, वो कैसे जा रही है, वर्चुअल में जा रही है। तो हमने कहा अगर आपको इस मिरर से रिलेटेड अगर कॉन्सेप्ट को अगर अच्छे से समझना है तो आपको दो बातें याद रखनी पड़ेंगी कि मिरर के केस में इस तरफ की जो साइड होगी इसको हम मानते हैं रियल। पास समझो इंपॉर्टेंट चीज, ये चीज आप जरूर नोट करोगे, ये चीज आप जरूर नोट करोगे। और इस तरफ की जो पोर्शन होती है उसको हम लोग कहते हैं वर्चुअल। मिरर के केस में बच्चे दो चीजें याद रखोगे, अगर ये बात आपको समझ में आती है तो आपको फिगर से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, 1% भी प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। ये जो इधर की दुनिया है ना मिरर के लिए, इस साइड वाला जो भी पोर्शन है वो हमारा रियल पोर्शन है और इस साइड वाला जो भी पोर्शन है वो है वर्चुअल। दो बातें आपको समझ में आई और आपको कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर भी आपको समझ में आया, आया ना। अब हम इनसे रिलेटेड कुछ बेसिक से टर्म्स देखते हैं कि जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, फोकल हमारी जो प्रिंसिपल फोकस वो क्या होती है, फोकल लेंथ क्या होती है, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, ये सब सारी चीजें हम लोग समझने वाले हैं। बेसिक से टर्म देखो जल्दी जल्दी समझ लेते हैं, बहुत ही ईजी है, बहुत आसान है, समझ लेते हैं जल्दी से हम लोग। देखो बच्चे बात समझते हैं, हम कुछ डेफिनेशन समझते हैं स्फेरिकल मिरर से रिलेटेड, बहुत ही सिंपल है, आपने क्लास 10th में भी पढ़ा होगा, जल्दी से हम उसको देख लेते हैं। देखो सबसे पहली चीज होती है हमारी पोल, क्या होता है भाई पोल होता है, तो भाई अगर पोल है तो वो कॉनकेव मिरर का भी होगा, वो कॉन्वेक्स मिरर का भी होगा। देखो होता क्या है ये पोल, तो हमारे इस ये जो हमारा जो भी स्फेरिकल मिरर है इसका अगर सेंटर जो भी सेंटर वाला जो भी पोजीशन होता है ना, जो भी सेंटर वाला पोजीशन होता है ना उसी को हम लोग कहते हैं पोल, दैट मीन्स ये पोल, ठीक है। ये हमने बात कर ली कॉन्केव मिरर की, सिमिलरली कॉन्वेक्स मिरर का भी क्या होगा, पोल होगा। तो करते हैं पी से, दैट मीन्स हमने कहा द सेंट्रल पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्टिंग सर्फेस ऑफ मिरर इज कॉल्ड इट्स पोल, इट इज रिप्रेजेंटेड बाई पी। क्लियर है, क्लियर है, बोलो इतनी बात समझ में आती है, कोई बहुत ज्यादा तो हम वो एक्स्ट्रा चीज तो नहीं बताते ना। देखो अच्छा नेक्स्ट हमारा होता है दूसरा हमारा जो पोर्शन है, दूसरा हमारा जो पार्ट है, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है, वो हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ओके सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। देखो सेंटर ऑफ कर्वेचर को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं सी से, भाई है क्या ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, कुछ नहीं यार, स्फीयर का जो भी हमारा सेंटर था, हमने कहा सर ये हमारा स्फीयर था, इसे हमने दो मिरर बनाए, एक हमने कॉनकेव बनाया एक हमने कॉन्वेक्स बनाया, ठीक है, और तो इस स्फीयर का एक सेंटर है। तो सिमिलरली जो भी हमारे इस स्फीयर के पार्ट, ये स्फीयर का पार्ट है, तो अगर हम एक सर्किल बनाएंगे तो हमें इसका भी क्या मिलेगा, एक सेंटर मिलेगा। तो ये जो सेंटर हुआ यही हमारा इस स्फेरिकल मिरर का क्या कहला जाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर कहला जाएगा। अब क्या बोलेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर, आगे बात समझ में आ रही है, यानी कि सेंटर ऑफ जो स्फीयर है उसी को हमने क्या बोल दिया, इन केस ऑफ कॉनकेव मिरर, इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर हमने बोल दिया सेंटर ऑफ कर्वेचर, एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय सी। तो यहां से ये जो आपका ये जो चीज है ये आपकी हो गई सी। ध्यान समझना, अभी बहुत सारी बातें हम इससे रिलेटेड समझेंगे, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हम अपने समझेंगे यहाँ पे, फोकल प्रिंसिपल फोकस को समझने वाले हैं, ठीक है। अभी आगे बढ़ो, देखो ओके स्किप नहीं करना, ठीक है, वरना कुछ कंफ्यूजन हो जाएगा। तो ध्यान से मेरी बात समझते चलो, सुनते चलो कहानी की तरफ, सुनते चलो, नोट्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है, या फिर अगर आप चाहते हो तो यहीं से जो है चीजों को नोट डाउन कर लो, हम जो भी चीजें बोल रहे हैं, अगर आपको नोट्स नहीं लेना है तो, अगर या बहुत ज्यादा अगर आप एक्टिव हो तो, ठीक है ना। देखो अच्छा हमने बात कर ली सेंटर ऑफ कर्वेचर की, नाउ नेक्स्ट हमारा जो टर्म है दूसरा पॉइंट, नेक्स्ट हमारा जो थर्ड है यानी कि थर्ड पॉइंट, रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब सर ये रेडियस नाम से ही लग रहा है, रेडियस रेडियस, तो रेडियस का मतलब क्या होता है, सेंटर और इस मतलब स्फीयर का जो भी रेडियस होगा, बस स्फीयर का जो भी रेडियस होगा, हमने कहा सर ये है, ये हमारी क्या होगी, यहां से यहां तक रेडियस होगी आर, ठीक है। तो स्फीयर का जो भी रेडियस होगा हम उसी को क्या कह रहे हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब रेडियस ऑफ कर्वेचर को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल आर से, याद रखना इसे रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल आर से, दैट मींस यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस होगी इसको हम लोग बोलेंगे क्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर, दैट मींस सीपी, सीपी इज इक्वल टू हम क्या बोल सकते हैं आर, ठीक है। सिमिलरली देखो अब इसका अच्छा यहाँ पे सर ये सर छूटता चला जा रहा है ना, देखो कॉन्वेक्स वाले को हम लोग हमेशा भूल जाते हैं, ऐसा नहीं है। अब भाई ये कॉन्वेक्स मिरर देखो आपने इस वाले पार्ट को लिया है, इधर वाले आपने पार्ट को लिया है ना, तो इसका जो फिगर बनेगा वो कुछ ऐसा, यानी कि इसका जो सेंटर होगा वो किधर होगा, इधर की तरफ होगा, दैट मीन्स इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर इस तरफ होगा, है ना। और मैंने आपको बताया कि मिरर के दूसरी साइड की जो पार्ट है वो हमारी वर्चुअल है, यानी कि इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर वर्चुअल होता है, क्लियर होगी बात। तो यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस होगी वो भी कैसी होगी, आर होगी, दैट मीन्स वर्चुअल होगी, समझ रहे हो, समझ रहे हो इस बात को, क्लियर है इतनी बात, वर्चुअल और रियल में बहुत बहुत ये भी आगे बहुत ज्यादा काम देने वाला है।
ठीक है सर, हमने रेडियस ऑफ कर्वेचर हमने बता दिया। नाउ नेक्स्ट हम बात करते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस की। प्रिंसिपल कौन सा वाला प्रिंसिपल भाई? पीएल। ओके, प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। प्रिंसिपल एक्सिस की देखो अगर हम बात करें, क्या है सर? देखो प्रिंसिपल एक्सिस कुछ नहीं भाई, प्रिंसिपल एक्सिस हमारी एक इमेजिनरी लाइन है। क्या है सर? क्या सर ने क्या बताया? इमेजिनरी लाइन है ना, मतलब एक 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 इमेजिनरी लाइन आप ऐसे ड्रॉ कर दो, किससे मिलाते हुए? सी एंड पी से मिलाते हुए एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर दो जो कि मिरर के दूसरे तरफ भी जा सकता है। दैट इज ये हमारा जो पोर्शन हुआ ना, देखो सी और पी को मिलाते हुए हमने एक इमेजिनरी हमने लाइन ड्रॉ करी। देखो अच्छा, मिरर के दूसरी तरफ की जो लाइन होगी, बस समझना, मिरर के दूसरी तरफ की जो लाइन होगी उसे आप डैश लाइन के थ्रू रिप्रेजेंट करोगे, और मिरर के इस साइड जो लाइन होगी उसको आप सॉलिड लाइन के थ्रू। क्यों? क्योंकि हमारे ये रियल पोर्शन है, ये हमारा रियल पोर्शन है, ये हमारा वर्चुअल पोर्शन है, ये हमारा वर्चुअल पोर्शन है। तो सी और पी से मिलाते हुए हमारी जो लाइन कहलाएगी ना, इसी को हम लोग बोलेंगे क्या? प्रिंसिपल एक्सिस। यानी कि ये जो आपकी ये जो पूरी पूरी जो लाइन नजर आ रही है यहां से लेकर यहां तक, ये हमारी क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस है। ठीक है, आ रही बात समझ में? अच्छा, प्रिंसिपल एक्सिस हो गया ना। अब देखो यहां से हम एक मोस्ट इंपॉर्टेंट समझने वाले हैं, प्रिंसिपल फोकस। लेकिन उसके पहले हम थोड़ा सा एक और, देखो हमारा एक टर्म छूट गया। क्या हो गया भाई? सेंटर ऑफ कर्वेचर, प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, रेडियस ऑफ कर्वेचर। हाँ, एक और आपका टर्म छूट गया, अपेर्चर। अब ये सर क्या होता है? बार बार आएगा वर्ड, एक आएगा अपेर्चर, है ना। ये क्या होता है भाई? अपेर्चर क्या होता है? देखो अब अपेर्चर हमारे दो तरीके के हो सकते हैं, एक हमारा होगा लीनियर अपेर्चर, एक हमारा होगा एंगुलर अपेर्चर। क्या होगा भाई? लीनियर अपेर्चर। देखो क्या होता है ये लीनियर अपेर्चर का, देखो मतलब क्या है। देखो जैसे आपने कहा सर, मान लो आपने ये जो आपने जो भी मिरर आपने लिया है, मान लो कि इस मिरर इसका एक एंड जो है मान लो ए है, और इसका एक एंड मान लो बी है। मान लो इसका एक एंड जो है वो एम है, और इसका दूसरा एंड मान लो एम डैश है। तो बात समझो, यहां से यहां तक के बीच की जो भी डिस्टेंस होगी, है ना, उसी को हम लोग बोलते हैं लीनियर अपेर्चर। क्या बोलते हैं? लीनियर अपेर्चर। मतलब क्या हो गया कि डायमीटर ऑफ ए बी, डायमीटर ऑफ एम एम डैश, दैट इज लीनियर अपेर्चर। यहां से लेकर यहां तक की जो भी डिस्टेंस होगी उसको हम लोग बोलते हैं लीनियर अपेर्चर। क्लियर हुई ये बात? क्लियर है? क्या हुआ? द डायमीटर ऑफ ए बी ऑफ सर्कुलर बाउंड्री, है ना, ये इसकी बाउंड्री, सर्कुलर बाउंड्री की जो भी डायमीटर होगी उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? लीनियर अपेर्चर बोलेंगे। ओके अच्छा, दूसरा सर आपने बताया था क्या? एंगुलर अपेर्चर। इसको भी थोड़ा सा समझ लेते हैं, क्या है भाई एंगुलर अपेर्चर? एंगुलर अपेर्चर, देखो एंगुलर अपेर्चर कहने का देखो मतलब क्या है कि मान लो हम क्या करें, अगर हम इसके ये हमारा जो एंड है ना, ये जो हमारा एंड है ए, है ना, इस एंड से हम क्या करें? सी को मिलाए। इस वाले एंड से हम इस क्या करें? हम इस सी को मिलाए। तो क्या हुआ? यहां पर हमारे पास एक एंगल बनेगा, ये एंगल बना, तो इसी को हम लोग कहते हैं एंगुलर अपर्चर। आ रही बात समझ में? क्या हो गया भाई? एंगुलर ये क्या, इसका हम क्या नाम देंगे? इसका नाम देंगे एंगुलर अपर्चर। मतलब कि एंगल कौन सा एंगल? ए सी बी बोल दो भाई, एंगल को बीच में रखते हैं ना, जिस एंगल को हम लोग को बोलना होता है, तो ए सी बी बोल दो या बी सी ए बोल दो, ठीक है। तो क्या बोल देंगे? एंगल ए सी बी सबटेंडेड बाई बाउंड्री, है ना, मतलब बाउंड्री के थ्रू जो भी एंगल सबटेंडेड हुआ उसी को हम लोग बोलते हैं क्या? एंगुलर अपेर्चर। बोलो इतनी बात क्लियर है? और आप कमेंट करके बताओगे हाँ सर ये चीज मेरे को समझ में आ रही है, और मैंने नोट से सारी चीजें लिख ली हैं, ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा जल्दी खत्म करना है ना, तो इस वजह से हम जो है बहुत सारी चीजें नहीं लिख रहे हैं। तो कोशिश करो कि आप थोड़ा सा नोट्स डाउनलोड कर लो, हेल्पफुल है। बस क्या है इसको, अब हम क्या लिखवाना जरूरी है क्या? आप ये मेरे को कमेंट करके बताओगे हाँ सर कोई दिक्कत नहीं है, आप कंटिन्यू रखिए इस तरीके से। ओके चलो, तो एंगुलर अपेर्चर आपको समझ में आया क्या है? एंगुलर अपेर्चर क्या है? ओके नाउ, अब यहां से हमारा एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म आता है बच्चे, देखो प्रिंसिपल फोकस। अब इसमें बहुत सारे बच्चे देखो कंफ्यूज होते हैं, प्रिंसिपल फोकस, क्या हेडिंग लगा लो आप? प्रिंसिपल फोकस समझते चलो, ठीक है, प्रिंसिपल फोकस। अब भाई देखो प्रिंसिपल फोकस है तो सर आपने तो सर दो, आपने दो मिरर बनाए हैं सर, हैं आपने एक कॉन्केव मिरर बनाया है सर, आपने एक कॉन्वेक्स मिरर बनाया, तो अब ऐसी बात है सर आपको दोनों को जो है एक्सप्लेन करना पड़ेगा। हाँ भाई हम दोनों को एक्सप्लेन करेंगे। देखो तो उसी प्रिंसिपल फोकस को एक्सप्लेन करने के लिए हमने पहले इन सब सारे टर्म्स को हमने समझा है। क्या है? देखो मान लो हमने कहा कि अगर हम पहले एक बना लेते हैं कॉन्केव मिरर को बना लिया जाए, ठीक, और इधर बना लेते हैं हम लोग कॉन्वेक्स मिरर को। तो कॉनकेव मिरर है तो कॉनकेव मिरर में हमें देखो पॉलिशिंग इधर की तरफ करनी पड़ेगी, बड़ा आसान है सर ये तो, है नहीं? और कॉन्वेक्स मिरर है तो कॉन्वेक्स मिरर में भी पॉलिशिंग इधर की तरफ करनी पड़ेगी, क्योंकि हमें अपने ऑब्जेक्ट को हमेशा लेफ्ट साइड में रखना होता है, ये हमने पॉलिशिंग कर दिया। अब देखो तो
आपको कुछ चीजें पता है, जैसे आपने कहा सर हमें हमारे पास क्या होता है मिरर का, हमारे पास एक पोल होता है, ठीक है भाई ये हमारा पोल हो गया, तो इसका भी क्या होगा एक पोल होगा। फिर क्या होता है मिरर की हमारी एक क्या होती है, मिरर की हमारी एक सेंटर ऑफ कर्वेचर होती है, तो मान लो ये हमारा जो है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर है, यहाँ पर हमने कह दिया सी, और सेंटर ऑफ कर्वेचर को और पोल को हम क्या करते हैं मिलाते हैं, हमें एक लाइन ड्रॉ करते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये हमारी सीपी एक प्रिंसिपल एक्सिस है जो कि मिरर के पीछे डायरेक्शन में भी जा सकती है। सिमिलरली यहाँ पर भी एक पोल होगा और यहाँ पर इस मिरर का जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। आरी बस में तो हमने इसको क्या कर दिया, हमने इसको इमेजिनरी लाइन से मिला दिया। सर आपने इमेजिनरी लाइन से क्यों मिलाया है, क्योंकि मिरर के पीछे वाला पोर्शन है इसलिए हमने डैश लाइन से मिलाया है, और इधर वाली तरफ हमारी सॉलिड लाइन होगी। तो ये हमारा जो होगा, ये हमारा सीपी जो होगा जो कि मिरर के आगे पीछे दोनों तरफ जा सकती है, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है। अब देखो क्या हुआ, बात समझो क्या हुआ, ये सब देखो ये सब कैसे पता चले, तो इन सब चीजों को एक्सपेरिमेंट किया गया, इन सब लेंसेज सॉरी इन सब मिरर्स को लेकर, हम लेंसेज की बात करेंगे फिलहाल, अब तो हम मिरर वाले टॉपिक में ना, तो इन सब मिरर को लेकर के वो किए गए एक्सपेरिमेंट किए गए, मतलब इनको थियोरेटिकली यूज करके देखा गया, ठीक है ना। तो क्या हुआ कि मान लो हमने कहा कि मेरी मान लो बहुत सारी रेज जो है वो ऐसी रेज जो है ना वो पैरेलल से आ रही थी, ये कौन सी रेज है इंसिडेंट है ना, ये कौन सी रेज है इंसिडेंट, इंसिडेंट रेज है ये, है ना, बहुत सारी रेज ऐसे आ रही थी। तो क्या हुआ ये देखा गया कि जब ये रेज आई तो ये सारी की सारी हमारे इस प्रिंसिपल फोकस के ये सारी की सारी हमारी प्रिंसिपल एक्सिस के, ये सारी की सारी जो रेज है ना, जब इनका भाई देखो अभी ये रेज आई है, मान लो ये रेज आई है तो इसका क्या होगा, इसका एक रिफ्लेक्शन भी तो होगा, ये हुआ रिफ्लेक्शन, समझ गए। तो इस पॉइंट पर ये प्रिंसिपल एक्सिस को इस पॉइंट पर कट किया, फिर देखा कि अच्छा ये वाली भी जो रेज थी इसका भी जब रिफ्लेक्शन हुआ तो ये भी क्या कर गई, ये भी इस वाली पॉइंट को कट कर गई, समझ रहे हो। जब इस वाली रेज का जब रिफ्लेक्शन हुआ तो ये भी जो है इस वाली पॉइंट को कट कर गई, इस वाली रेज का जब रिफ्लेक्शन हुआ तो ये भी इस वाली पॉइंट को कट कर गई। तो ये देखा गया कि सारी की सारी जो रिफ्लेक्टेड रेज, वर्ड याद रखो, सारी की सारी जो रिफ्लेक्टेड रेज है वो किसी एक पॉइंट पर कट करती हुई हमें दिखाई दी, तो उसी एक पॉइंट को हमने बोल दिया क्या, प्रिंसिपल फोकस, दैट इज एफ। इसी पॉइंट को यानी कि जिस पॉइंट पर सारी की सारी रेज एक दूसरे को मिल गई एग्जैक्टली में रियलिटी में मिली, उस पॉइंट को हमने कह दिया क्या, प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉनकेव मिरर। बात समझना, प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉनकेव मिरर। तो अब हमने कहा सर इसमें हम एक स्टेटमेंट बनाएंगे, हम देखो बात समझो, यहां से हम यहां पे हम ये अच्छा यहां पे हम थोड़ा सा हम इसका जो है फिनोमेना समझ लेते हैं, बात समझना, इसका हम थोड़ा सा फिनोमेना समझ लेते हैं। देखो क्या हुआ कि यहां से मान लो कोई एक ऑब्जेक्ट रखी गई होगी जिसमें से बहुत सारी जो है पैरेलल रेज जो मान लो चली, एक रेज ऐसे चली, एक रेज ऐसे चली, समझ रहे हो, एक रेज ऐसे चली है ना, एक रेज ऐसे चली। अब इनका रिफ्लेक्शन भी तो होगा भाई, अब ये पीछे तो जा नहीं सकती तो इनका रिफ्लेक्शन भी होगा। तो क्या हुआ कि इनका सभी का क्या हो गया, रिफ्लेक्शन हो गया, क्या हो गया, सभी का रिफ्लेक्शन हो गया। और जब ये देखे हो मजे की बात, ये देखा गया कि जब इन रिफ्लेक्टेड रेज को, बात समझना, ये हमारी इंसिडेंट रेज थी, ये हमारी रिफ्लेक्टेड रेज है, ये हमारी रिफ्लेक्टेड रेज है ये, तो जब इन रिफ्लेक्टेड रेज को जब पीछे की तरफ बढ़ाया गया, किधर की तरफ बढ़ाया गया, पीछे की तरफ बढ़ाया गया, किधर की तरफ बढ़ाया गया, पीछे की तरफ, ये थोड़ा सा सही से बनना चाहिए था, ठीक है, इधर की तरफ बढ़ाया गया, पीछे की तरफ बढ़ाया गया, तो ये पता चला कि ये सारी की सारी जो रेज है ना, ऐसा लग रहा था कि ये जो रिफ्लेक्टेड रेज है वो किसी एक प्रिंसिपल एक्सिस के किसी एक पॉइंट से जा रही थी, ऐसा ऐसा अपीयर हो रहा था, एग्जैक्टली में ऐसा था नहीं, बात समझो, ऐसा एग्जैक्टली में था क्या ना, इट अपीयर्स टू कम फ्रॉम, मतलब टू कम फ्रॉम अ पॉइंट, है ना, ऐसा लग रहा था कि ये किसी एक पॉइंट से, मतलब क्या हो रही थी, ऐसा अगर आप अगर इधर की तरफ देखो तो ऐसा लग रहा था ये किसी एक पॉइंट से आ रही थी, है ना, या किसी एक पॉइंट से, हाँ किसी एक पॉइंट से ऐसा लग रहा था कि ये इनका ओरिजिन किसी एक पॉइंट से हुआ है, और उसी उस पॉइंट को हमने बोल दिया क्या, प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। तो यहां से आपको दो डेफिनेशन मिलेंगे, मेरी बात समझना, देखो बात समझो देखो कुछ नहीं, मैंने ये बस ये सेंटेंस आपको समझाने के लिए देखो लिखा है, मैंने कहा यार कुछ नहीं करना है, मैंने कहा कि प्रिंसिपल एक्सिस पर ऐसा पॉइंट, ठीक है ना, एट विच लाइट रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, जब लाइट रेज क्या हो, प्रिंसिपल एक्सिस के जब पैरेलल हो, देखो जितनी भी लाइट रेज है ना वो सारी की सारी कैसी है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, जब ऐसा हुआ तो क्या देखा गया कि जब इनका रिफ्लेक्शन हुआ तो क्या हुआ, ये किसी एक पॉइंट से, ये किसी एक पॉइंट पर एक्चुअली मीट कर रही थी,
एक्चुअल में मीट करी थी। तो अगर एक्चुअल में मीट करी थी इन केस ऑफ कॉनकेव मिरर, अपीयर रिफ्लेक्शन एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर एक्चुअली मीट, और ये एक्चुअली मीट किस में कर रही है, इन केस ऑफ कॉनकेव मिरर। लेकिन ऐसा नहीं है इन केस ऑफ, अगर हमने कहा सर अगर हम बात करें कॉन्वेक्स मिरर की, तो कॉन्वेक्स मिरर के केस में हमने कहा अपीयर टू कम फ्रॉम, एग्जैक्टली नहीं मीट कर रही है भाई, ऐसा थोड़ी ना है, ऐसा नहीं है सच में। देखो ये रेज ऐसे इधर जाएंगी ही नहीं, ये इधर की तरफ रिफ्लेक्ट हो जाएंगी, समझ गए, ये इधर की तरफ रिफ्लेक्ट हो गई। तो जब रिफ्लेक्ट हो गई तो जब इनको पीछे जब बढ़ाया गया तो ये देखा गया कि ये किसी एक पॉइंट से क्या हो रहा था, ऐसा लग रहा था ये किसी एक पॉइंट से आती हुई आपको ऐसा लग रहा था कि है ना एक पॉइंट से आपकी तरफ ये आ रही है, है ना। तो अपीयर टू कम फ्रॉम इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, है ना, अपीयर टू कम फ्रॉम, और जिस पॉइंट से आई हमने उसी को क्या दिया, क्या प्रिंसिपल फोकस ऑफ मिरर, उसी पॉइंट को हमने क्या बोल दिया, प्रिंसिपल फोकस ऑफ मिरर। क्लियर है ये बात, एकदम क्रिस्टल क्लियर रखना कि इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर के केस में आपकी जो ये जो लाइन, ये जो रिफ्लेक्टेड रेज होंगी वो ऐसा सीम्स होगा, है ना, ऐसा ऐसा प्रतीत होगा, जिसको हम क्या बोले, ठीक है, इट अपीयर्स टू कम फ्रॉम, समझ लो, ठीक है ना। आप केवल इसमें इमेजिन कर सकते हो, लेकिन इसमें ऐसा इमेजिनेशन वाली बात है ही नहीं, इसमें सच में ऐसा होगा, समझ गए, है ना। तो देखो इसी नेचर की वजह से, इसी इन मिरर में इसी नेचर की वजह से, ये हमारी कॉनकेव मिरर है, ये हमारी कॉन्वेक्स मिरर है, तो इसी की वजह से देखो हम इसको डाइवर्जेंट और कन्वर्जेंट भी बोलते हैं। डाइवर्जेंट, डाइवर्जेंट का मतलब क्या है कि ये रेज को डाइवर्ज कर दे रही है, देखो ये रेज को क्या कर रही है, फैला दे रही है, डाइवर्ज कर दे रही है, और ये रेज को देखो क्या कर दे रही है, कन्वर्ज कर दे रही है, किसी एक पॉइंट पर क्या कर रही है, कन्वर्ज कर दे रही है। तो ये हमारी कन्वर्जेंट, और इसको हम डाइवर्जेंट मिरर के नाम से भी जानते हैं। क्लियर हुई इतनी बातें, ये बातें बताओ क्लियर हुई, ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ रही है, ठीक है ना। और मैंने आपसे पहले ही बोला था कि ये वाला पोर्शन आपका वर्चुअल है, ये वाला पोर्शन आपका रियल है, इस केस के लिए ये वाला पोर्शन आपका वर्चुअल है, ये वाला पोर्शन आपका रियल है। तो देखो हम क्या बोल सकते हैं, तो हम यहाँ से ये बोल सकते हैं क्या कि हमारी जो कॉनकेव मिरर की जो फोकस होगी, बात समझना, कॉनकेव मिरर की जो फोकस होगी वो क्या होगी, रियल होगी। कॉनवेक्स मिरर की जो फोकस होगी वो क्या होगी, वर्चुअल होगी। आगे बात समझ में, ठीक है। अब यहां से देखो हमारी एक और चीज बनती है, क्या फोकल लेंथ, क्या होती है फोकल लेंथ, भाई फोकल लेंथ क्या है, कुछ नहीं है, है ना, फोकस और इस पोल के बीच की जो भी डिस्टेंस होगी उसको हम लोग बोलेंगे क्या, फोकल लेंथ, सिंपल। नाउ नेक्स्ट हमने एक और टर्म समझ लिया, क्या हमने समझ लिया, क्या फोकल लेंथ, फोकल लेंथ, फोकल लेंथ क्या है बच्चे, कुछ नहीं, डिस्टेंस है, कैसी डिस्टेंस है सर, डिस्टेंस बिटवीन एफ एंड पी, एफ एंड पी के बीच की डिस्टेंस, दैट इज फोकल लेंथ। अब इस फोकल लेंथ को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं एफ से। अभी हम यहाँ पर कुछ माइनस प्लस की कुछ भी नहीं बात कर रहे हैं, कोई टेंशन नहीं लेना कि सर आप तो ये माइनस प्लस तो बता ही नहीं रहे यार, कुछ भी टेंशन नहीं लेना, सब चीजें आपको ए टू जेड सारी चीजें एकदम क्रिस्टल क्लियर होंगी, बस थोड़ा सा धैर्य रखो, थोड़ा सा विश्वास रखो मेरे पर, ठीक है, ये सब चीजें आपकी एकदम क्लियर होंगी कि कब माइनस लेना है सर, कब प्लस लेना है सर, आप तो ये सर बता ही नहीं रहे हो, डोंट वरी, बताएंगे, सब बताएंगे, ठीक है। तो हमने कहा सर एफ इज इक्वल टू क्या, हम कह सकते हैं, हम कह सकते हैं पी एफ, तो ये हमारी हो गई फोकल लेंथ। अच्छा ध्यान रखना, फोकल लेंथ, लेंथ को हम जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं दैट इज हमारी जो फोकल लेंथ है उसको हम लोग बोल रहे हैं स्मॉल एफ, और जो प्रिंसिपल फोकस है या हम नॉर्मली जिसको फोकस बोलते हैं उसको हम बोलते हैं कैपिटल एफ, ठीक है, फर्क है दोनों में, ये पर्टिकुलर एक पॉइंट को शो कर रहा है और एफ हमारी ये पर्टिकुलर किसी एक लेंथ को शो कर रहा है, क्लियर है ये बात, ठीक है ना। तो दो बात हमेशा याद रखोगे कि इन केस ऑफ कॉनकेव मिरर इट एक्चुअली मीट एट द फोकस, इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर इट सीम्स या इट अपीयर्स टू कम फ्रॉम द फोकस, जो रिफ्लेक्टेड रेज हैं, है ना, रिफ्लेक्टेड रेज अपीयर टू कम फ्रॉम फोकस, ओके, ये बात आप ध्यान रखोगे, क्लियर है, ओके। देखो अब यहां से हम समझते हैं, हमने कहा भाई ठीक है, हमने दो चीजें निकाली, देखो यहां से हमें दो लेंथ पता चली ना, एक हमने कहा सर यहां से यहां तक की हमारी जो लेंथ है उसको हम लोग कह रहे हैं फोकल लेंथ, और एक सर एक और लेंथ थी, हाँ एक यहां से यहां तक की लेंथ थी, आ रही बात समझ, एक यहां से यहां तक की लेंथ थी, यहां से इस सी से ना, इस सी से देखो इस वाले सी से लेकर के यहां तक की एक लेंथ थी, बताओ इसको हमने क्या कहा था, बोलो 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 जल्दी बोलो, इसको हमने कहा था आर, दैट मीन्स रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो हमें दो लेंथ पता चले भाई, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ, तो सर इन दोनों में रिलेशन क्या है, हाँ तो सब कोई जानता है, आप भी जानते हो, आपने पढ़ा भी है कि आर इज इक्वल टू क्या होता है भाई, टू एफ होता है, या एफ इज इक्वल टू क्या होता है भाई, आर अपॉन टू होता है, ये तो सबको जानता है, लेकिन ये कैसे करोगे, ये प्रूव करना है, ये है आपके बुक में, ओके, कैसे प्रूव करेंगे, चलो तो हेडिंग लगा लो रिलेशन बिटवीन एफ एंड आर, हम ये चीज लाने वाले हैं, ये चीज प्रूव करने वाले हैं, ओके। और आप जिस भी बोर्ड के बच्चे होगे 2020-21 के लिए, आप जिस भी बोर्ड के बच्चे होगे या
आप जिस भी ईयर में प्रिपेयर कर रहे हो तो आप अपना सिलेबस जरूर देख लेना कि क्या हमें पढ़ना है क्या नहीं। यार देखो, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये चीजें जब तक आपको नहीं पता होंगी फिर क्या ही मतलब रहेगा। तो सारी चीजें आपको पढ़ो, है ना, ये बहुत ही बेसिक चीज है, बिना इनके पॉसिबल ही नहीं कि आप जो है लाइट रेज, ये जो रे ऑप्टिक्स आप समझ लो, हाँ हो ही नहीं सकता ऐसा। तो पढ़ो, इवन हट गया होगा तो फिर भी पढ़ना है, क्योंकि जब तक आपने ये नहीं पढ़ोगे फिर आपको समझ में नहीं आने वाला, कहोगे सर ये कहाँ से आ गया, ये कहाँ से आ गया, ये कहाँ से आ गया, सब उड़ता चला जाएगा। ठीक है, चलो हेडिंग लगा लो, रिलेशन बिटवीन एफ एंड आर। चलो आपने हेडिंग लगा ली, रिलेशन बिटवीन एफ एंड आर, ठीक है, कि फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर के बीच क्या रिलेशन है वो तो आपको पता है, बट हम इसको कैसे ऑप्टेन करें हमें ये समझना है ना। तो देखो हम दोनों ही केसेस में देखेंगे, दोनों ही पूछ सकता है, मे बी पूछ सकता है आपका किसका, फॉर कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर के केस में देखो, कॉनकेव मिरर के केस में तो भाई पहले क्या करो, आपको एक कॉनकेव मिरर बनाना पड़ेगा। तो ये सर हमारा कॉनकेव है ना, कॉनकेव है ना, बिल्कुल सर कॉनकेव ही है, ठीक है। और ये हमारी है प्रिंसिपल एक्सिस, ये हमारा है पोल, और यहां पर हमारा कहीं होगा मान लो सेंटर ऑफ कर्वेचर, और यहां पर होगा हमारा कहीं फोकस, होगा ऐसा, बिल्कुल होगा, है ना। अब देखो मान लो हमने कहा कि चलो हमारी एक रे जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ऐसे चल रही थी, मस्त ऐसे टकरा गई जाकर के, ये इसका टक्कर हो गया। अब क्या होगा, जैसा आपको पता है कि जब टक्कर हुआ तो ये बेसिकली कहां से जाएगी, आपको पता है कि ये फोकस से होती जाएगी, ये रूल भी है ना, ऐसा देखा गया, ऐसा होता है मिरर में भाई। तो ये जो है फोकस से होती हुई आफ्टर रिफ्लेक्शन, है ना, इट पासिस थ्रू फोकस, ये फोकस से होती हुई चली गई, ठीक सर चली गई। अब क्या किया जाए, देखो मैंने आपको बताया था कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन बेसिकली क्या बोलता है कि जितने एंगल पर वो स्ट्राइक करती है उतने ही एंगल से वो क्या करती है, रिफ्लेक्ट भी करती है। तो अब उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पर एक नॉर्मल ड्रॉ करना पड़ेगा। तो भाई प्लेन मिरर की केस में तो बड़ी इजीली हमने क्या किया था, हमने एक नॉर्मल, हमने ये ऐसे नॉर्मल हमने ड्रॉ कर लिया था, ये हमारा नॉर्मल था, ये ऐसे टकरा करके चली गई, तो ये एंगल और ये एंगल आपस में क्या थे, इक्वल थे। अब सर यहाँ पर कैसे नॉर्मल किया जाए, देखो यहाँ पर हम नॉर्मल ड्रॉ करते हैं अपने सी से, सी हमारी एक ऐसी पॉइंट होती है, बात समझना, ये भी हम रूल में आगे पढ़ेंगे, सी हमारी एक ऐसी पॉइंट होती है जिससे हमारी रे, जिस अगर कोई अगर एक रे, बात समझो, अगर कोई एक रे अगर इस सी से अगर होकर के इंसिडेंट रे अगर जा रही है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन, है ना, इट रिपीट इट्स पाथ, वो अपने पाथ को क्या करेगी रिफ्लेक्शन के बाद, रिपीट करेगी। तो सी हमारी जो है ना, हम जो यहाँ पर हम जो नॉर्मल ड्रॉ करेंगे हम वो किसके थ्रू ड्रॉ करेंगे, इस सी वाले पॉइंट के थ्रू। तो कहा हमने, चलो ठीक है भाई हम एक नॉर्मल ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं। अब अगर नॉर्मल हमने ड्रॉ कर लिया तो भाई ये हमारा क्या होगा, ये हमारा एंगल आई होगा। बोलो एंगल आई, मान लो कि यहाँ पर आपने कोई एक नाम दे दिया, ए नाम दे दो, ठीक है, ये हमारा एंगल आई होगा, और ये हमारा क्या होगा, ये हमारा होगा एंगल आर। तो भाई लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के थ्रू एंगल आई इक्वल टू क्या होगा, एंगल आर होगा। देखो हमने कहा कि हमारी जो एंगल बन रही है, मान लो कि हमने कहा कि हमारी कोई एक रे थी ओ ए, इंसिडेंट रे थी ओ ए, बात समझो इंसिडेंट रे थी ओ ए, तो हमने कहा कि एंगल ऑफ ओ ओ ए सी, देखो ओ ए सी है ना, एंगल ऑफ ओ ए सी इज इक्वल टू किसके होगा, एंगल देखो कुछ भी ले लो, एंगल सी ओ एफ, क्या ले लिया, सी ओ एफ ले लिया, या सी ओ बी ले लो आपकी मर्जी, ठीक है। हमने कहा एंगल सी ओ एफ, और ये देखो ये कितने होंगे, ये आपस में इक्वल होंगे, है ना, कैसे हो गए भाई इक्वल, कैसे हो गए इक्वल, तो भाई लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का सेकेंड लॉ है ये हमारे पास, है ना, कि दो यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस, दैट मीन्स एंगल, हमने कहा एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, ऐसे अगर शॉर्ट वर्ड में अगर लिखना चाहो तो, ओके। अच्छा अब देखो आपने कहा सर ये एंगल और ये एंगल आपस में क्या हो गए, इक्वल हो गए, ठीक ठीक ठीक। अब मेरी बात समझो, आपने क्लास नाइन्थ में या कभी भी आपने एक रूल पढ़ा था कि अगर आपकी अगर दो पैरेलल लाइन है, हाँ, और दो पैरेलल लाइन के थ्रू अगर कोई एक जो लाइन आप ड्रॉ करते हो तो ये एंगल आपस में कैसे होते हैं, इक्वल। इसको हम क्या बोलते थे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बोलते थे ना, अल्टरनेट एंगल, समझ में आ गई बात। तो देखो आपने कहा सर अब इसमें तो हमें दो पैरेलल लाइन कहाँ नजर आते, देखो एक ये पैरेलल लाइन है, एक ये वाली पैरेलल लाइन है, और ये वाली हमारी, अब हमने ऐसे लाइन ऐसे देखो ड्रॉ करी, ये एसी, एसी देखो एसी जस्ट लाइक ये एसी, ठीक है। तो यहां पर देखो एक एंगल बना, दैट मीन्स यहां पर देखो एक एंगल बना, ये एंगल बना, ये एंगल बना, ठीक है, और हाँ, ये भी देखो इक्वल होगा। हमने कहा भाई ये एंगल और ये एंगल आपस में भी, भाई देखो अगर ये और ये इक्वल हैं, बात समझो, ये और ये इक्वल, तो क्या ये और ये इक्वल नहीं होंगे, हैं, होंगे ना। तो ये एंगल और ये एंगल आपस में कैसे होंगे, इक्वल होंगे, दैट मीन्स ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में कैसा होगा, इक्वल, किसके थ्रू, बाई अल्टरनेट, अल्टरनेट एंगल के थ्रू, याद आया, हाँ सर क्या क्या याद दिला रहे हो, क्लास नाइन टेंथ की सब बातें हैं।
तो हमने कहा कि हमारा जो एंगल, देखो ओ ए सी, ओ ए सी, देखो ओ ए सी दैट मीन्स ये वाला एंगल, और ये देखो किसके होगा, ये इसके इक्वल हो गया, दैट मीन्स ए सी एफ इज इक्वल टू ए सी एफ, दैट मीन्स एंगल आई। अब भाई ये एंगल इसके इक्वल हो गया, ये एंगल इसके इक्वल हो गया, ठीक है। अच्छा तो देखो इसके बेसिस पे हम क्या बोल सकते हैं, देखो आपको याद आना चाहिए, आपने कहा कि दैट मीन्स ये एंगल, बात समझना, थोड़ा सा समझो, है ना, थोड़ा सा जूम करके दिखाएं क्या चल जाएगा काम। देखो हमने कहा ये जो ट्राइंगल बन रहा ना, ये वाला ट्राइंगल, ये देखो अब इसको हम थोड़ा सा डैश लाइन से कर देते हैं। देखो अब ये एक ट्राइंगल बना ए सी एफ, इमेजिन करो ए सी एफ, देखो ठीक है, ये आपका सी है, ये ए है, ये एफ है, तो ए सी एफ बना। इसमें आपने कहा सर ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में क्या है, इक्वल है। तो आपको याद रहना चाहिए एक और थ्योरम होता था, कौन सा थ्योरम होता था भाई, याद करो। देखो अगर हम कहते थे सर हमारे पास अगर ये ट्राइंगल है और इस ट्राइंगल की ये एंगल, इस ट्राइंगल की ये एंगल अगर आपस में इक्वल होती थी, तो इनके इनके जो अपोजिट जो साइड होती थी, इस एंगल की अपोजिट जो साइड होती थी, इस एंगल की जो अपोजिट साइड होती थी, वो भी आपस में इक्वल होती थी। आया थ्योरम याद? तो देखो अब इस वाले एंगल के अपोजिट साइड क्या है, ए एफ, इस वाले एंगल के अपोजिट साइड क्या है, सी एफ, समझ गए। तो ए एफ और सी एफ क्या होंगी, आपस में इक्वल होंगी, कैसे, इस वाले रूल के थ्रू, क्लियर है बात है, ये साइड आप बना लोगे, है ना। तो हमने कहा सर अगर ऐसा हो गया कि एंगल आई जो है, ये वाला जो एंगल है और ये वाला एंगल अगर आपस में देखो अगर इक्वल हो गए, तो हम कह सकते हैं क्या कि सी एफ इज इक्वल टू ए एफ, दैट मीन्स ए एफ इज इक्वल टू सी एफ, ए एफ इज इक्वल टू किसके इक्वल हो गया, ए एफ जो है वो सी एफ के इक्वल हो गया, ये चीज, ठीक है। अच्छा अब देखो हमने यहाँ पे जो अपर्चर हमने जो बनाया है ना, वो बहुत ज्यादा स्मॉल है, तो बहुत ज्यादा स्मॉल होने का मतलब कि ए बहुत ज्यादा दूर ना होकर के पी के पास है, बात समझो, ये ए जो है ना, या फिर ऐसे समझते हैं कि हमने यहां से हमने एक परपेंडिकुलर लाइन हमने ड्रॉ कर दी, अब ये यहां से यहां तक जो बीच की बहुत ज्यादा नेग्लेजिबल है, तो हमने कहा कि चलो ए जो है ना वो हमारा कॉन्साइड कर गया किसमें, पी में, ए किसमें कॉन्साइड कर गया, पी में, बात समझो, ए किसमें कॉन्साइड कर गया, पी में। तो हमने कहा कि भाई देखो हमारा अपर्चर क्या बहुत ज्यादा स्मॉल है, तो हमने कहा कि हमारा जो ए एफ है, दैट मीन्स ये लाइन, अब बात समझो, आप अगर कह रहे हो सर कि अगर ए जो है अगर पी में अगर कॉन्साइड कर गया, हाँ बहुत ज्यादा माइनर सा डिस्टेंस, बहुत ज्यादा माइनर सा फर्क है, तो अगर इसमें अगर कॉन्साइड कर गया तो हम एफ ए ना लेकर के क्या ले ले, एफ पी ले ले, ले सकते हैं क्या, ए एफ ना लेकर के क्या ले ले, एफ पी ले ले, पी एफ ले ले। आगे बात समझ में, हमने कहा कि सिंस अपर्चर आर वेरी स्मॉल, समझ लगे ये बात, आप थोड़ा सा लिख लो क्या, कि सिंस हमारा जो अपर्चर है, अपर्चर इज वेरी स्मॉल, ठीक है, तो हमारी जो ए है ना वो किसमें बिलोंग करेगी, हमारी पी में बिलोंग करेगी। तो हमने कहा सर क्या कि हमारा जो अब ए एफ होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, ए एफ जो होगा वो हो जाएगा एफ पी के, किसके इक्वल हो जाएगा, ए एफ किसके इक्वल हो जाएगा, एफ पी के, ए एफ है ना, हमें किसकी रिक्वायरमेंट होगी, हमें होगी ए एफ की, ठीक है। हमने कहा कि हमारा जो ए एफ होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, वो हो जाएगा एफ पी के, बात समझो, ए एफ किसके इक्वल हो जाएगा, एफ पी के। अब अच्छा अगर आप यहां से यहां तक अगर आप डिस्टेंस लो, मतलब एक नॉर्मल अगर हम बोले कि भाई बताओ सीपी इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो, सीपी को आप क्या लिख सकते हो, एंड सीपी को देखो आप क्या लिख सकते हो, सीएफ प्लस एफपी, सीएफ प्लस एफपी, सीएफ प्लस एफपी। अब देखो सीएफ, तो सीएफ की जगह आप सीएफ ही रख दो, प्लस एफपी, आपने कहा सर एफपी की जगह हम क्या रख सकते हैं, एएफ, क्या रख सकते हैं, एएफ, और एएफ की जगह हम इससे क्या रख सकते हैं, सीएफ, समझ गए बात, क्या रख सकते हैं, सीएफ। तो कितना हो गया भाई, टू सीएफ CP। अब देखो CP यहां से यहां तक की डिस्टेंस को आपने क्या माना था, R, तो CP की जगह आप क्या रखोगे, R, आगे बस में CP की जगह क्या रखोगे, R इज इक्वल टू इस 2 इंटू CF। देखो CF, CF आपने क्या माना था, CF आपने यहां से यहां तक की डिस्टेंस को क्या माना था, फोकल लेंथ, तो F, दैट मीन्स R इज इक्वल टू 2F, या आप ये कह सकते हो F इज इक्वल टू R बाई 2। तो ये आपका रिलेशन हो गया किसके बीच, F एंड R के बीच, इन केस ऑफ कॉनकेव मिरर। सिमिलरली इसी तरीके से हम जो है कॉन्वेक्स मिरर का भी कर सकते हैं, कर सकते हो आप, क्या बता दिया जाए, चलो बता दिया बेटा, कंफ्यूज हो गए, कहोगे सर क्या क्या बता रहे हैं। तो ये थोड़ी सी एंगल वाला हमने इसमें यूज किया, बहुत इजी है, बहुत ज्यादा आपको ये सारी चीजें फिर से याद आ जानी चाहिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है सब चीज, है ना, अगर आपके छोटे भाई बहन पूछ लिया तो फिर मुंह ऐसे लटक जाएगा, तो इसलिए आप भी थोड़ा सा समझ लो क्या होता है कि ये दोनों एंगल बराबर, तो ये साइड आपस में बराबर, ठीक है, ये हमारा ये एंगल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, तो इस तरीके से हमारे ये होते हैं, ठीक है।
अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तो इस तरीके से हमारे सारे सारे एंगल आपस में इक्वल होते हैं। अरे बात सुनें, हमने बस इसी का थ्योरम का यूज किया और कुछ भी नहीं। ये अगर थ्योरम आपको समझ में नहीं आएगा तो आप फिर नहीं कर पाओगे, फिर भाई आपको रटना पड़ेगा। तो ये थ्योरम है भाई, थ्योरम का मतलब फैक्ट, फैक्ट चीजें हैं, है ना, आप इससे मुकर नहीं सकते। ना ऐसा है, जिन्होंने बनाया उन्होंने बनाया, ऐसा है, ठीक है। चलो ये बात आपको समझ आई। ना बात कर लेते कॉन्वेक्स वाले मिरर की, या फिर आप कर लोगे। देखो ना, हम रिलेशन एस्टेब्लिश करते हैं किसके बीच में, भाई एफ एंड आर के बीच में। लेकिन इसके लिए हम अब क्या लेने वाले, हम लेने वाले कॉन्वेक्स मिरर के लिए। तो सिंपल, पहले आप क्या कर लो, एक कॉन्वेक्स मिरर बना लो। आपने कहा सर ठीक है, ये हमारे पास एक कॉन्वेक्स मिरर है, हमने इधर पॉलिशिंग कर दी, इधर की तरफ हमने कोई ऑब्जेक्ट रखा, ये हमारा होगा प्रिंसिपल एक्सिस, है ना, ये इधर भी चला जाएगा। अब यहाँ पर हमारा कहीं होगा क्या होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, और इधर कहीं हमारा होगा फोकस। अब ठीक है, देखो क्या हुआ, आपने कहा सर ठीक है, हमारे पास कोई एक रे थी, एक कोई रे थी, बात समझना, जो कि पैरेलल थी, किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल थी। क्या हुई, जब रिफ्लेक्शन हुआ तो ये तो ऐसे मुड़ गई, ये तो ऐसे चली गई, इधर चली गई, है ना, इसका ऐसे, इसका इधर रिफ्लेक्शन हो गया, ये डाइवर्ज हो गई, डाइवर्ज हो गई। अच्छा, तो क्या हुआ, आपको पता है ना, आपको ये एक्सपेरिमेंट के थ्रू पता है कि ये जो डाइवर्ज, ये जो रिफ्लेक्टेड रे है, जब हम इसको जब पीछे की तरफ बढ़ाएंगे तो ये कहां जाकर के मिलेगी, जाकर के हमारे फोकस पर जाकर के मिलेगी। ऐसा लगेगा कि ये जो रेज है ये फोकस से क्या हो रही है, फोकस से जा रही है, ठीक है, फोकस से आती हुई सीम्स हो रही है ये रेज, अच्छा सॉरी आती हुई, है ना, फोकस से आती हुई रेज, है ना, तो रेज दैट मीन्स फोकस से आती हुई सीम्स हो रही है। ओके, अब देखो, तो हमने कहा सर इसका, इसका भी हमें क्या करना पड़ेगा, इसका भी हमें एक जो है नॉर्मल बनाना पड़ेगा, क्योंकि भाई जितने एंगल पर ये जितने एंगल पर ये फॉल हो रही होगी उतने ही एंगल पर ये जो है रिफ्लेक्ट भी हो रही होगी। तो हमने कहा सर कहां से बनाते हैं, तो मैंने आपको बताया कहां से बनाते हैं, सी से बनाते हैं। तो हम इसका जो है एक नॉर्मल बना लेते हैं, कहां से, सी से, ठीक है, ये होगा, ये इसका नॉर्मल है, ठीक है। ये देखो, ये हमारी एंगल आई है, बात समझ गए, ये हमारा एंगल आर है, क्लियर है, दो चीजें आपको दिख रही दे रही है ना, ये हमारा एंगल आई है, ये हमारा एंगल आर है। इसका चलो हम लोग थोड़ा सा नाम देते हैं, सेम वही चीज देते हैं। मान लो हमारी ये एंगल, ये हमारी रे थी ओ ए, क्या थी भाई, इसका नाम क्या था, ओ ए, है ना, ओ ए हमारी क्या करी, इस मिरर पर स्ट्राइक करी और रिफ्लेक्ट हो गई, ठीक है, और ये रिफ्लेक्ट होकर मान लो ये ए से अब चली गई बी की तरफ, ए बी डायरेक्शन में चली गई। ओके, अब देखो यहाँ पे, देखो बात समझना, अच्छा यहाँ पे नाम दे दो, पहले तो नाम दे दो, पी है, ये सी है, एफ है, चलो ठीक, सारी चीजें हो गई। देखो अब अगर हम कहें कि भाई हमारा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से हमारा क्या होगा, देखो हमारा ये जो ओ ए, इसका क्या नाम दे दिया जाए, मान लो हमने इसको क्या दिया, एन नॉर्मल हमने इसको बोल दिया, तो हमने कहा एंगल ओ ए एन इज इक्वल टू क्या होगा, किसके इक्वल होगा, आर के, दैट मीन्स एंगल, देखो एंगल 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 एन ए बी, एंगल एन ए बी होगा ना, दोनों आपस में इक्वल होंगे, क्यों भाई, इज इक्वल टू आई इज इक्वल टू एंगल आर, क्यों भाई, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का हमने रूल अप्लाई कर दिया। अच्छा अब देखो, अगर ऐसा हुआ, देखो तो अब मेरी बात समझना, देखो आपने कहा कि यहां पर भाई जो एंगल आई है, ठीक है, क्या सेम उतना ही एंगल यहां पर भी बनेगा, बिल्कुल बनेगा, नहीं बनेगा, देखो नहीं बनेगा, देखो बात समझो, देखो कैसे बनेगा सर, कैसे बनेगा यार, देखो ये हमारी एक दो रेज है ये पूरी, बात समझो, और ये एक ये वाली है ओ ए, इसको थोड़ा सा और आगे तक ऐसे बढ़ा ले, ऐसे इसको थोड़ा सा आगे तक इमेजिन, ऐसे इमेजिन कर लो कि आगे तक ऐसे बढ़ गया। अभी ऐसे आपने एक लाइन ड्रॉ करी क्या, सी एन, ये है सी और ये है एन, मान लो सपोज करो, ठीक है। देखो आपने कहा सर ये वाला एंगल है ना, ये एंगल और ये देखो ये वाली, ये आर नहीं ले रहे हैं, आर नहीं ले रहे हैं, आई ले रहे हैं, ये आपस में क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे अल्टरनेट एंगल से, आ रही बात सुनने, तो एंगल आई इज इक्वल टू क्या होगा, ये वाला, दैट मीन्स आई यहाँ पे जितना है वहीं भाई ये भी होगा, दैट मीन्स हमने क्या दिया, हमने कहा कि एंगल, अब इसका नाम दे दो, तो क्या हम इसका नाम देते हैं, हम इसका नाम दे देते हैं ए, देखो ऐसे दे दो, इधर से आ रहा है ना ये एन, ऐसे आ रहा है एन सी एफ, क्या रहा है एन सी एफ, ठीक है। तो हमने कहा सर ऐसा कर देते हैं, इसको हम बोल देते हैं क्या, ठीक है चलो कुछ भी ले लो, हमने कहा क्या, देखो एन सी एफ है ना, एन एंगल एन सी एफ इज इक्वल टू, देखो क्या हो जाएगा, इस वाले के एंगल की, दैट मीन्स एंगल ओ ए एन के इज इक्वल टू कितना होगा, आई होगा, एंगल आई होगा, ठीक है। तो आपने कहा कि सर ये एंगल, ये एंगल इक्वल है, तो ये एंगल और ये एंगल भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, नहीं बराबर है,
है, तो ये इसके भी तो इक्वल होगा भाई, तीन लोग हैं है ना, ये तीन लोग हैं, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, तो ये भी तो इसके इक्वल होगा। हाँ सर ठीक। अब देखो तो यहां से ऐसा समझो, हमें चाहिए पीसी चाहिए ना, ठीक है। तो देखो अगर ये इक्वल है, मतलब हमने कहा ये और ये आपस में क्या हो गया, इक्वल हो गया, दैट मीन्स ये क्या होगा, ये इसके भी इक्वल होगा। तो अगर ये तो ये दोनों आपस में भी क्या होंगे, फिर इक्वल होंगे, दैट मीन्स ये एंगल, ये देखो ये वाला और ये वाला, ठीक है, किस कौन से वर्टिकल अपोजिट एंगल के थ्रू, ये दोनों देखो वर्टिकल अपोजिट एंगल, दैट मीन्स हमने कहा भाई ये दोनों जस्ट लाइक दिस, इसकी तरह है, तो ये दोनों कैसे है? इक्वल होते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल होते हैं, ठीक है ना। तो हमने कहा कि एंगल एंगल सी, एंगल सी ए एफ इक्वल होगा एंगल एंगल एन ए बी, एंगल एन ए बी, और ये किसके इक्वल होगा, ये होगा एंगल आर के, ठीक है, ये किसके इक्वल होगा, एंगल आर के। अच्छा तो अगर ऐसा हुआ, देखो बात में ना, हम यहां से कर क्या रहे हैं, जैसे पिछले वाले हमने क्या किया कि हमने किसी ट्रायंगल के दो एंगल को आपस में इक्वल दिखाया, और उनके करस्पॉन्डिंग उनकी जो अपोजिट साइड थी हमने उनको भी आपस में इक्वल दिखा दिया, ये तो हमने किया था ना, मैं हमारा मेन मोटो यही तो था ना। तो हमने कहा कि ऐसा सर जब हमने किया, तो देखो हमें जो ट्राइंगल मिला कौन सा, देखो ध्यान समझो, ये ट्राइंगल ए ए सी एफ, बात समझो, ए सी एफ, ये जो ट्राइंगल मिला ना, तो इस ट्राइंगल में हमने कहा सर ये एंगल और ये एंगल आपस में कैसे हैं, इक्वल है, होंगे ना, होंगे ना, बोलो आपस में इक्वल है। तो अगर आपस में इक्वल है तो इनके अपोजिट साइड्स कैसे होंगे, आपस में इक्वल होंगे। आगे बस में इनके अपोजिट साइड आपस में कैसे होंगे, इक्वल होंगे। दैट मीन्स देखो अब अगर हम बोले सर ये हमारा एंगल है, तो इसके अपोजिट साइड कौन सा है, ये वाली साइड, दैट मीन्स ए एफ, सो ए एफ इज इक्वल टू, अब इस वाले एंगल के सामने अपोजिट साइड देखो कौन सी है, एफ सी या सी एफ, तो ए एफ इज इक्वल टू सी एफ, ये बात समझ में आई। फिर भाई काम हमने कहा भाई ये मान लो बहुत ज्यादा स्मॉल है, ये देखो बहुत ज्यादा स्मॉल लेते हैं, तो हमने आपको समझाने के लिए थोड़ा सा डिटेल में बड़ा बना दिया, ताकि एंगल का जब बहुत ज्यादा, जैसे पिछले वाले में थोड़ा सा हौचपच हो गया था ना, तो बहुत ज्यादा वैसा ना हो, इस वजह से हमने ये थोड़ा सा बड़ा बनाया। तो मान लो हमने कहा फिर सेम वही चीज, हमारी जो अपर्चर है वो बहुत ज्यादा, मिरर की जो अपर्चर बहुत ज्यादा मान लो स्मॉल है, तो ये ए जो होगा वो पी के काफी क्लोज होगा, दैट मीन्स ए जो होगा वो पी पर ही कॉन्साइड कर जाएगा, हम यहाँ पर ये मान करके चले कि बहुत ज्यादा क्लोज है ना, और ए जो होगा वो पी पर क्या कर जाएगा, कॉन्साइड कर जाएगा। तो उस केस में हमने कहा कि हमारी देखो जो ए एफ होगी, ए एफ है ना, वो मतलब वो जस्ट लाइक इक्वल होगी किसके, पी एफ के, ठीक है, पी एफ की हमारी क्या होगी, वो इक्वल होगी, या फिर ऐसे कह सकते हैं कॉन्ग्रुएंट होगी पी एफ के, है ना। दैट मीन्स हमने कह दिया क्या, फाइनली हम यहाँ से देखो हम क्या करते हैं, अगर हम इस ए एफ की जगह अगर हम पी एफ रख दें, तो हमने कहा क्या कहा कि पी एफ, तो फाइनली में क्या मिलेगा, पी एफ इज इक्वल टू सी एफ, बस समझो यहाँ से इस ए एफ की जगह हमने क्या रख दिया, पी एफ। अब देखो अब फिर से वही अप्लाई करो, पी प्लस सी मतलब पी सी, पी सी पी सी पी सी, प्रियंका चोपड़ा नहीं, पी सी, देखो यार पी सी, पी सी इक्वल टू देखो क्या हो जाएगा, पी एफ प्लस एफ सी। अब देखो पी एफ की देखो वैल्यू कितनी है, पी एफ की जगह हम कितना रख सकते हैं, सी एफ या एफ सी रख सकते हैं, प्लस एफ सी रख सकते हैं, तो भाई पी सी इक्वल टू देखो कितना हो गया, पी सी इक्वल हो गया टू एफ सी। अब देखो पी सी, पी सी का मतलब क्या है, आर इज इक्वल टू टू इंटू एफ सी का मतलब क्या है, एफ सी का मतलब है फोकल लेंथ, ठीक है, तो आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टू एफ, है ना, तो आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टू एफ, इस केस में भी हमें आर क्या मिलेगा, टू एफ। अच्छा इंपॉर्टेंट बात देखो यहाँ पे, एक थोड़ी सी बात समझाने वाली बात यहाँ पर ये चीज़ है ना, कि यहाँ पे हम जब हम बात करते हैं कॉन्वेक्स मिरर के लिए, इसकी बात करते हैं, जब हम कॉन्वेक्स मिरर की बात करते हैं, तो कॉन्वेक्स मिरर में मैंने आपको बताया कि देखो जब हम, अभी हम ये चीज़ थोड़ा सा अभी हम आगे डिस्कस करते हैं, बट आ गया तो देख लो इधर का जो भी पोर्शन होता है, जैसे आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ी है ना, कई बच्चों ने कोऑर्डिनेट, हाँ सारी, अरे कई बच्चों ने, सभी बच्चों ने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ी होगी भाई, तो इधर वाली साइड को हम लोग लेते हैं पॉजिटिव, इधर वाली साइड को हम लोग लेते हैं निगेटिव, है कि नहीं, है कि नहीं भाई, इधर वाली साइड को हम लोग क्या लेते हैं पॉजिटिव, इधर वाली साइड को लेते हैं निगेटिव, उधर वाली साइड को लेते हैं पॉजिटिव, और इधर इस बारे ओरिजिन पॉइंट से नीचे वाली साइड को लेते हैं निगेटिव। तो मान लो ये आपका इधर है ना, तो इधर वाला साइड हमारा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव होगा, तो इसमें इसलिए हमारी इस केस में हमारी जो फोकल लेंथ होती है, यानी कि कॉन्वेक्स कॉन्वेक्स मिरर के केस में हमारी जो फोकल लेंथ होती है वो होती है पॉजिटिव, कैसी होती है, पॉजिटिव, और कॉन्वेक्स कॉनकेव मिरर वाले केस में हमारी जो फोकल लेंथ होती है वो होती है निगेटिव, तो वहां पर आप माइनस में लगा लेना, माइनस आर इज इक्वल टू माइनस का टू एफ लगा लेना, समझ गए, ठीक है, आर इज इक्वल टू क्या लगा लेना, माइनस का टू एफ, है ना। चलो तो यहां से आपका ये अभी हम ये चीज अभी आगे समझेंगे, तो आर इज इक्वल टू फाइनली आपको क्या मिलेगा, सॉरी एफ इज इक्वल टू क्या मिलेगा, एफ इज इक्वल टू आर अपॉन टू,
तो ये आपका इक्वेशन स्टेब्लिश हो गया। आता है ये इंपॉर्टेंट है, तो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं। देखो क्या है, बस हमने एंगल अल्टरनेट दिखाया, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के थ्रू हमने दिखाया, अल्टरनेट एंगल दिखाया, ठीक है, हमने वर्टिकल अपोजिट एंगल दिखाया और उसके थ्रू हमने ये प्रूव कर दिया। आगे वाले में जहां पर वर्टिकल अपोजिट एंगल होगा वहां पर ऑब्जेक्ट देना, तो ये कॉन्सेप्ट है, क्लियर है। देखो भाई जनाब, हम बात करते हैं साइन कन्वेंशन की, कि सर किस तरीके से हम साइन कन्वेंशन लेते हैं। बहुत ही इजी है, बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अभी देखो, अभी हम केवल साइन कन्वेंशन पढ़ रहे हैं, अभी हम ये नहीं बताया है आपको कि इस इमेज का फॉर्मेशन किस तरीके से होता है, नहीं। हम उसके बेसिकली तीन रूल पढ़ेंगे, तीन रूल के बेसिस पे हम कोई भी इमेज ड्रॉ कर सकते हैं, कोई भी इमेज, आपको एक जरा सी प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। फिलहाल हम समझते हैं साइन कन्वेंशन के बारे में। देखो साइन कन्वेंशन का मतलब क्या है, जैसे हमने कहा ना कि भाई हमने दो तरीके की, हमने जो है देखो मिरर पढ़ी, एक हमने बनाया इस तरीके का, हमने एक मिरर बनाया जिसको हमने बोल दिया क्या, जिसको हमने बोला कॉनकेव मिरर है, ठीक है। एक हमने जो है इस तरीके का हमने मिरर पढ़ा जिसको हमने बोल दिया ये हमारा सर, ये हमारा कॉन्वेक्स मिरर है, हमने ये बोला ना कॉन्वेक्स मिरर है। तो देखो हम दोनों की बात करेंगे, तो हमें एक जनरल हम उसी के थ्रू समझेंगे, हम अपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के थ्रू समझेंगे। क्या है भाई, हमने कहा कि मान लो हमारी ये एक एक्सिस है जो कि एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रही है, किसको रिप्रेजेंट कर रही है, जो कि एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। ये हमारी एक एक्सिस है जो कि एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रही है। अब क्या हुआ कि मान लो हम कोई भी एक मिरर ले ले, मान लो हमने ये एक मिरर ले लिया, सपोज करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हम कॉन्वेक्स भी ले सकते थे। हमने कहा सर ये हमारे पास अगर मान लो एक मिरर है, कोई भी एक मिरर है, कॉनकेव कॉन्वेक्स है, ठीक है, अभी हमने इसमें पॉलिशिंग नहीं की है, ठीक है, चलो। तो देखो अब जैसा कि हमें पता है भाई कि ये इसका क्या होगा, ये इसका ओरिजिन पॉइंट होगा, यानी कि ओरिजिन पॉइंट ये हो गया, है ना, जिसको हम लोग कहते हैं मूल बिंदु कहते हैं, दैट मीन्स ओरिजिन पॉइंट, है ना। दैट मीन्स यहाँ से ये सारी चीजें जीरो, इधर से चलोगे तो प्लस, इधर से चलोगे तो माइनस, इधर से चलोगे तो प्लस, इधर से चलोगे तो माइनस, ये चीज होता है ना। अब अगर हम इधर की तरफ अगर हम डिस्टेंसेज अगर हम चलते हैं, है ना, अगर इधर की तरफ अगर ट्रेवल करें तो हमें कैसा सिंबल लेना पड़ेगा, हमें लेना पड़ेगा प्लस का सिंबल लेना पड़ेगा। ये क्या चीजें हैं, जब हम इमेज बनाएंगे तो हमें मे भी जरूरत पड़ेगी कि हमारी मे भी इमेज इधर भी बन सकती है, बात समझना, मे भी हमारी इमेज इधर भी बन सकती, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। कैसे बनेगी हम आपको एग्जैक्टली बताएंगे कि ये चीज कैसे बनती है, ठीक है। तो हमने कहा सर प्लस, इधर डायरेक्शन हमने चल लिया, अच्छा इधर डायरेक्शन में मान लो अगर हम चलेंगे तो हम कहेंगे सर इधर वाले डायरेक्शन में हम क्या कहेंगे, इधर डायरेक्शन के लिए हम जो है सिंबल डिस्टेंस की हम जो सिंबल लेंगे वो कैसे माइनस के साथ लेंगे। अगर मान लो अगर हम ऊपर की तरफ चल रहे हैं, ठीक है, ऊपर की तरफ भाई ऑब्जेक्ट की हाइट होगा ना, कई चीजें होंगी अभी हम समझते हैं। तो ऊपर की तरफ मान लो अगर हमारा कुछ अगर हमें डिस्टेंस लेना है तो हम कैसे लेते हैं, पॉजिटिव, तो सिंपल सी बात है। और अगर हम अगर नीचे की तरफ अगर लेना होगा डिस्टेंसेस तो हम कैसे लेंगे, निगेटिव, वो चाहे इधर की तरफ लो चाहे इधर की तरफ, तो इधर की तरफ भी क्या लेंगे आप, निगेटिव ही लोगे ना, नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ कैसा लोगे आप, पॉजिटिव लोगे, ये फर्क नहीं पड़ता। आ रही थी बात समझ में, अच्छा दो चीजें, एक बात और कि जितनी भी डिस्टेंसेज होती हैं वो सारी की सारी डिस्टेंसेज हम पोल के थ्रू मेजर करते हैं। मान लो हमने कहा सर यहां पर हमारी कोई इमेज बनी तो हम यहां से यहां तक की डिस्टेंस को लेंगे, ठीक है। अब बात समझना, अब देखो जो ऑब्जेक्ट होता है, मान लो आपने कहा सर ठीक है ये हमारे पास अगर कोई एक मिरर होती तो मान लो हमारे पास यहां पर एक ऑब्जेक्ट होता, है ना, तो हमारी जो ऑब्जेक्ट होती है ऑब्जेक्ट को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं यू से, समझते चलो, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करते हैं किससे, यू से। और स्फेरिकल मिरर के केस में हमेशा अपनी ऑब्जेक्ट को हम लेफ्ट साइड ही रखते हैं, इधर रखते हैं लेफ्ट साइड रखते हैं। अब बात समझो, अब ऑब्जेक्ट है भाई, तो हमने ऑब्जेक्ट को मिरर के सामने रखा, अब उस ऑब्जेक्ट की क्या होगी, इमेज बनेगी, समझ रहे हो, उस ऑब्जेक्ट की क्या बनेगी, इमेज बनेगी ना। मे बी इमेज जो है वो इधर भी बन सकती है, मे बी जो इमेज है वो इधर भी बन सकती है, दोनों पॉसिबल कंडीशन है ना। तो हमने कहा सर इमेज, हमारी जो इमेज डिस्टेंस होगी क्या होगी, इमेज डिस्टेंस को हम कहेंगे क्या, वी, क्या कहेंगे, वी। अब अगर इधर की तरफ बनती है तो हम माइनस में लेंगे, ऑब्वियस सी बात है, इधर की तरफ बनती है तो माइनस में लेंगे और इधर की तरफ बनती है तो हम प्लस में लेंगे। आरी बात में, चलो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम लेते हैं यू से और इमेज डिस्टेंस को हम रिप्रेजेंट करते हैं वी से। सिमिलरली हमने कहा सर फोकल लेंथ, तो आपको पता ही है फोकल लेंथ हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं एफ से। रेडियस ऑफ कर्वेचर हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं आर से। अब यहां पर एक चीज और है, ऑब्जेक्ट हाइट, क्या है भाई, ऑब्जेक्ट हाइट, और एक आपकी और होगी क्या, इमेज हाइट, क्या होगी, इमेज हाइट। तो ऑब्जेक्ट की हाइट को हम लोग लेते हैं एच से और इमेज की हाइट को हम लोग लेते हैं एच डैश से। अलग अलग बुक में अलग अलग तरीके से गिवन है। अब देखो अगर हम बात करते हैं अपने
कॉनकेव मिरर की, किसकी बात कर ले भाई, कॉनकेव मिरर। तो आप ये मेरे को ये बताओ, कॉनकेव मिरर में जो सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर होता है, फोकस इधर होता है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर भी इधर की तरफ होगा और फोकल लेंथ भी इधर की तरफ होगा। तो हमने कहा सर इन केस ऑफ कॉनकेव, कॉनकेव के केस में बताओ हम आर बताओ कैसे लेंगे, पॉजिटिव या निगेटिव, हमेशा निगेटिव। यानी कि कॉनकेव मिरर जो होगा ना उसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा ना बच्चे, वो हमेशा 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 क्या होगा, निगेटिव होगा। क्यों? क्योंकि इधर वाला डिस्टेंस हम कैसे लेते हैं, निगेटिव। समझ में आ रही बात? सिमिलरली इसका जो हम जो फोकल लेंथ लेते हैं, दैट मींस ये भी हम कैसे लेते हैं, ये भी हम माइनस में लेते हैं, क्योंकि इधर वाली डिस्टेंस है, सारी सारी डिस्टेंस इधर से इधर की तरफ मेजर करनी है ना, देखो इधर से इधर की तरफ मेजर करनी है, तो इधर वाली डिस्टेंसेस को हम कैसे लेते हैं, निगेटिव साइड में, ठीक है ना। अच्छा, हमारी जो यू होती है, यू हमेशा माइनस में होता है, यू हमेशा कैसे होता है, माइनस में, वो चाहे हम कॉनकेव मिरर की बात करें, वो चाहे हम कॉन्वेक्स मिरर की बात करें। क्योंकि जब आप इसमें भी, जब आप यहाँ पर आप यू रखोगे ना, यू को आप यहाँ पर रखोगे ना, तो देखो इधर से इधर वाली डिस्टेंस आप कैसे मेजर करोगे, इधर वाली यहां से यहां तक की डिस्टेंस हो जाएगी पॉजिटिव, इधर से इधर वाली डिस्टेंस हो जाएगी निगेटिव। अब बात समझो, हमने बात कर ली यू की, लेकिन इसका जो एच होता है वो मे बी पॉजिटिव भी हो सकता है और मे बी निगेटिव भी हो सकता है। दोनों चीजें हो सकती है, मे बी पॉजिटिव हो सकता है, मे बी निगेटिव भी हो सकता है, दो चीजें हैं। समझ में आ रही बात? अच्छा, इसके लिए आप मेरे को बताओ, इसके लिए आप जो आर लोगे, यानी कि जो आप जो रेडियस जो कर्वेचर लोगे, है ना, मान लो यहां से यहां तक आपका जो आर है, तो वो आप कैसे लोगे? मान लो यहां पे आपका जो आपका यहां पे मान लो एफ है, फोकल है, प्रिंसिपल फोकस है, दैट मीन्स लेंथ जो है वो एफ है। तो बताओ इस केस में इधर की तरफ चलोगे तो आपको आर कैसा मिलेगा? आपको आर मिलेगा पॉजिटिव, और इधर आपको एफ कैसा मिलेगा? पॉजिटिव मिलेगा। यानी कि कॉन्वेक्स लेंस, सॉरी कॉन्वेक्स मिरर के केस में, हम लेंस की बात नहीं कर रहे हैं, कॉन्वेक्स मिरर के केस में हमेशा और हमेशा और हमेशा आपको आर जो होगा वो हमेशा पॉजिटिव मिलेगा, और जो एफ होगा वो हमेशा आपको पॉजिटिव मिलेगा, ठीक है। लेकिन यू हमेशा कैसा होगा, माइनस होगा, है ना। यू हमेशा हम कैसे लेंगे, माइनस सिंबल के साथ लेंगे, माइनस बी लेंगे, माइनस बी का मतलब माइनस सिंबल, ठीक है। मतलब हमेशा वो चाहे कॉनकेव, वो चाहे कॉन्वेक्स हो, वो चाहे कॉनकेव हो, दोनों ही केसेस में आप कैसे लोगे, माइनस लोगे। लेकिन बात याद रखना, एच जो होगा ना, सॉरी हम बात करते हैं वी की पहले, वी हमेशा कॉनकेव मिरर का, वी हमेशा सॉरी कॉन्वेक्स मिरर का, वी हमेशा कॉन्वेक्स मिरर का हमेशा पॉजिटिव होता है, हमेशा पॉजिटिव। देखो अभी हम इसको समझेंगे, टेंशन वाली बात नहीं है, क्यों इसका रीजन है अभी आपको डिटेल में बताएंगे, डिस्कस करेंगे, टेंशन ना लो, डिटेल में हम लोग अभी डिस्कस करने वाले हैं, ऐसा क्यों है, ठीक है। ये चीजें हमेशा ये चीजें ध्यान रखना, सर ऐसा क्यों आप प्लस माइनस यहाँ पर बोल रहे हैं, यहाँ पर आप केवल प्लस बोल रहे हो, उसको भी हम लोग डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है, क्लियर सी बात है ये चीज, बहुत ये देखो रटने वाली चीज एकदम नहीं है। आपने फिगर बनाया, आपने कॉनकेव का, अगर आपको इसीलिए मैं बोल रहा था स्टार्टिंग से कि अगर आपको कॉनकेव का फिगर, आपको कॉन्वेक्स का अगर फिगर जो याद है, तो आपको आर एफ वी यू एच ये सब रटने की जरूरत है ही नहीं, ओके। नाउ देखो बच्चे, हम समझते हैं कि किस तरीके से हम इमेज का फॉर्मेशन कर सकते हैं। बेसिकली देखो हमारा मेन एम क्या होना चाहिए कि हम इमेज किस तरीके से बना सकें, और इमेज जब भी हम इमेज की बात करेंगे तो इमेज में हम हमेशा तीन बातें बताएंगे, मेरी बात ध्यान समझो। हमने कहा सर मैंने एक इमेज बनाया किसी ऑब्जेक्ट का, मैंने एक स्फेरिकल मिरर के थ्रू, बॉबी स्फेरिकल मिरर, हमारी दो तरीके की होंगी, कॉनकेव कॉनवेक्स, हम दोनों की केसेस देखेंगे। लेकिन एग्जैक्टली बनेगा कैसे, उसका रूल क्या है? तो जब भी मान लो हमने इमेज बना लिया, अभी वो कैसे बनाते हैं हम अभी देखते हैं। तो जब भी हमने इमेज बना लिया, तो इमेज की हमेशा हम तीन चीजें बताते हैं, इंपॉर्टेंट चीज, हम इमेज की हमेशा हम तीन बातें बताएंगे, क्या कि इमेज की जो है वो साइज कैसी है, है ना, इमेज छोटा है, मतलब हम हमेशा उसके ऑब्जेक्ट से कंपैरिजन करेंगे कि ऑब्जेक्ट से छोटा है, ऑब्जेक्ट से बड़ा है, क्या है, ऑब्जेक्ट के सिमिलर है। दूसरी चीज कि इमेज की जो है पोजीशन क्या है, पोजीशन ऑफ इमेज, तीन बातें, ठीक है। दूसरी बात पोजीशन ऑफ इमेज, थर्ड चीज जो होती है नेचर, नेचर ऑफ इमेज, ठीक है, इमेज का नेचर क्या है। अब देखो, अब इस नेचर में आपको दो तरीके के नेचर देखने को मिलेंगे, बात समझना, इस नेचर में, इमेज की नेचर आपको दो तरीके की देखने को मिलेगी, एक आपका होगा रियल, है ना, और रियल के साथ या तो इन्वर्टेड हो सकता है, रियल और इन्वर्टेड, ठीक है, या फिर एक हो सकता है आपका वर्चुअल और इरेक्ट। देखो रियल कहने का मतलब सीन समझो, क्या है रियल, रियल का मतलब क्या है और वर्चुअल का मतलब क्या है, मतलब मैंने कहा सर आपके पास अगर कोई एक कॉनकेव मिरर है, और कॉनकेव मिरर का ये ऐसा कुछ फिगर होता है, आपने यहां पर एक ऑब्जेक्ट रखा और आपने इमेज बनाई, और मान लो समहाउ इमेज मान लो इस डायरेक्शन में बनी, इस डायरेक्शन में बन गई, इधर वाले डायरेक्शन में बन गई, तो इधर वाले डायरेक्शन को हम क्या बोलते हैं, रियल। तो इधर वाले अगर डायरेक्शन में बनती है तो हम कहते हैं हमारी इमेज जो होगी वो कैसी होगी, रियल होगी। तो सर ठीक है, रियल तो सर मेरे को समझ में आ गया, सर ये इन्वर्टेड का क्या मतलब है? देखो इन्वर्टेड का मतलब है, मान लो जैसे आप ऐसे खड़े थे, ये आपका पैर है, ये आपका ऐसे सर है,
है ना। अब इमेज जो बनी है वो उल्टी बन गई, ऐसे इधर आपका सर हो गया, इधर आपका पैर हो गया, तो इसको हम कहते हैं इन्वर्टेड। आ रही बात समझ? क्या बोलते हैं? इन्वर्टेड। दो बातें इंपॉर्टेंट है, रियल एंड इन्वर्टेड समझ में आया। अच्छा वर्चुअल, वर्चुअल का मतलब क्या है? वर्चुअल मैंने आपको बताया था कि अगर ये मिरर है बच्चे ना, तो ये मिरर के इस तरफ की दुनिया क्या होती है? वर्चुअल होती है। दैट मीन्स अगर आपकी इमेज मान लो अगर इस डायरेक्शन में बनी, इस इधर की तरफ बनी, तो हम क्या बोलेंगे कि हमारी ये जो इमेज है वो वर्चुअल है। और इलेक्ट का मतलब क्या होता है? खड़ा, मतलब कि जैसे आप सीधे खड़े हो तो आपकी इमेज भी ऐसे सीधी दिखाई दे रही हो। जैसे आपकी जो प्लेन मिरर होती है ना, उसमें आपकी कैसी इमेज बनती है? उसमें आपकी इरेक्ट जो है, वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनती है। ठीक है, तो इस तरीके की हमारी जो इमेज होगी हम उसको इरेक्ट कहेंगे। दैट मीन्स सीधा सीधा, भाई इधर की तरफ सर तो इधर की तरफ भी सर, इधर की तरफ पैर तो इधर की तरफ भी पैर। लेकिन वर्चुअल इन्वर्टेड में क्या हो जाएगा? जस्ट अपोजिट। तो ये दो बातें आपको ध्यान रखनी है। तो किसी भी हम जब भी हम इमेज का फॉर्मेशन करेंगे, इवन हमारा इस तरीके में चाहे जो भी हो, कॉनकेव हो कॉन्वेक्स हो, तो हमेशा हम दो बातों की बात करेंगे, तीन बातों की। इमेज से रिलेटेड हम तीन बातें बोलेंगे, साइज क्या है, पोजीशन क्या है और उसकी नेचर क्या है। बहुत ईजी है, बहुत ही ईजी कॉन्सेप्ट है। देखो बहुत ईजी हम इसको एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम रूल समझ लेते हैं कि सर आप ये इमेज बना कैसे रहे हो। ठीक है, तो उसके कुछ बेसिक से कुछ रूल्स हैं, है ना, कि इमेज कैसे बनता है। याद रखना, देखो इमेज का फॉर्मेशन हमेशा कब होगा कि जब भी आपकी दो रिफ्लेक्टेड रेज, दो, मेरी बात वर्ड को ध्यान से सुनो, जब दो रिफ्लेक्टेड रेज, दो रिफ्लेक्टेड रेज एक दूसरे को जिस भी जगह पर कट करेंगी, जिस भी जगह पर इंटरसेक्ट करेंगी, वहीं पर आपका क्या बनता है? वहीं पर आपका इमेज बनता है। तो अब इमेज बनाने की बेसिकली हमारे पास तीन रूल होते हैं। बेसिकली हमें किसी दो रूल को क्या करना पड़ेगा? अप्लाई करना पड़ेगा। किसी भी दो रूल को अप्लाई कर दो। देखो फर्स्ट रूल समझते हैं। हमने कहा मान लो हम दोनों केसेस में देखते हुए चलेंगे, कॉनकेव मिरर के भी केस में और कॉन्वेक्स मिरर के भी केस में। हमने कहा सर मान लो कि हमारे पास ये कोई एक कॉनकेव मिरर है ना। अभी तो ये मिरर नहीं है, अब ये मिरर बन गया कॉनकेव। और हमने कहा ये हमारी कुछ इस तरीके से, और हमने कहा ये हमारा है फोकस और ये हमारा है सेंटर ऑफ कर्वेचर, है ना। और मान लो हम फर्स्ट, देखो हम रूल बात करें ना, तो देखो रूल क्या है रेज के चलने के, देखो रूल क्या है। हमने कहा कि अगर इफ अ रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, बात समझो, इफ फर्स्ट रूल है ना, ये हमारा हम फर्स्ट रूल की बात कर रहे हैं। फर्स्ट रूल देखो क्या होता है कि इफ अ रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन इट पासिस थ्रू फोकस, ये आपका फर्स्ट रूल है। ठीक है, तो ये तो ऐसा हो गया, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट पासिस थ्रू फोकस। ये हमने बात करी कॉनकेव की बात करी है, लेकिन क्या कॉन्वेक्स में भी ऐसा होगा? कॉन्वेक्स में ऐसा ही होगा, लेकिन थोड़ा सा हम स्टेटमेंट उसमें अपना चेंज करेंगे। क्या चेंज करेंगे सर? देखो हमने कहा सर ये हमारा एक कॉन्वेक्स मिरर है, ये हमारी इसकी प्रिंसिपल एक्सिस होती है, इधर की तरफ हमारा जो है, इधर की तरफ हमारा होता है क्या, इधर की तरफ मान लो हमारा है एफ और इधर यहां पर हमारे पास सी। ऐसे तो होगा ना, बोलो ये होगा ना ऐसा, एफ और सी ऐसे तो होगा। अच्छा हमने कहा कि इफ अ रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, हम इसकी बात कर रहे हैं इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर की बात कर रहे हैं। ठीक है, क्या कहा हमने? इफ अ रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन इट अपियर्स टू कम फ्रॉम, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट अपियर्स टू कम फ्रॉम फोकस। देखो इसमें ऐसा लगेगा कि कोई जो रेज है ना, कोई जो रेज है ना वो फोकस से आ रही है, बट एग्जैक्टली आती हुई ऐसे ऐसे सीम्स होगा, ऐसा लगेगा, बट एग्जैक्टली ऐसा नहीं है, तो फिगर ऐसा बनेगा। बात समझ में आई? इस केस में आप ऐसे देखो, इस केस में डायरेक्टली ऐसा होगा एग्जैक्टली, ये रियल है बट ये इमेजिनरी है, समझ गए? ऐसा रिफ्लेक्ट हो गया, लेकिन हमने उस रेज को पीछे बढ़ाया तो ऐसा लगेगा ये जो रेज जो ये जो ये जो आ रही है ना आपकी तरफ, है ना, या फिर मेरी तरफ जो आ रही है ना, ये ऐसा लगेगा कि ये किसी एक पॉइंट से होती हुई आ रही है। दैट मीन्स वो पॉइंट कौन सा होगा? फोकस। ये हमारा फर्स्ट रूल है। आ रही बात समझ में? सिंपल है, फर्स्ट रूल आपको समझ में आया? बताओ कोई बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है क्या फर्स्ट रूल? नहीं, एकदम भी नहीं। हम ये पहले भी पढ़ चुके हैं, ये हमारे सब एक्सपेरिमेंटल बेस्ड होते हैं। दूसरा देखो सेकेंड रूल की हम बात करते हैं। सेकेंड रूल क्या है सर? बहुत आसान है। सेकेंड रूल भी देखो बहुत आसान है। सेकेंड रूल क्या? किसी का उल्टा हो गया, मतलब समझ सकते हो क्या? हमने कहा सर अगर मेरे पास अगर कोई एक कॉनकेव मिरर है, क्या है? कॉनकेव मिरर है, तो ये हम प्रिंसिपल एक्सिस बना लेते हैं। हमने कहा यहाँ पर हमारे पास एफ है और यहाँ पर हमारे पास सी है। हमने कहा कि अगर एक कॉनकेव मिरर है, और हमने कहा कि नहीं चलो ठीक है अब हम ऐसा करते हैं, भाई देखो रे कहने का मतलब है, जैसे मेरी बात समझो, अपने यहाँ पर अगर आपने अगर कोई कैंडल अगर जलाया है, ठीक है, तो बताओ ये कैंडल से बहुत सारी ऐसे रेज चलेंगे ना, ऐसे चलेगा बहुत सारी रेज चलेंगे ऐसे 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 ऐसे, तो मान लो एक ऐसे रेज ऐसे आई, बोलो ऐसे आ सकती है भाई, कैंडल से बहुत सारी रेज चलेंगी ना, इनफाइनाइट अमाउंट में रेज चलेंगी, हाँ ऐसे रेज चलेंगी ऐसे आई। तो देखो इफ अ रेज पासिंग थ्रू फोकस इन कॉनकेव मिरर, पासिंग थ्रू फोकस इन कॉनकेव मिरर आफ्टर रिफ्लेक्शन इट बिकेम पैरेलल टू प्रिंसिपल
प्रिंसिपल एक्सिस, इट बिकेम पैरेलल टू प्रिंसिपल। क्या रूल है कि अगर फोकस से होती हुई आएगी तो रिफ्लेक्शन जब हो जाएगा, जब रिफ्लेक्शन होगा तो जो रिफ्लेक्टेड रेज होगी वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। बात समझो, प्रिंसिपल एक्सिस कैसे हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। अब हम सेम बिहेवियर लाइफ में भी अप्लाई करते हैं, इसके लिए कॉन्वेक्स के लिए अप्लाई करते हैं। देखो तो कॉन्वेक्स के लिए सबसे पहले तो हमें एक अपना फिगर बना ले भाई, ये हमारा फिगर है कॉन्वेक्स के लिए, हमने इसको पॉलिशिंग कर दिया तो हमारा ये क्या बन गया, कॉन्वेक्स बन गया। अब बात समझो, हमने कहा ठीक है हम पहले दो चीजें बना लेते हैं, सी यहाँ पर हमारा एफ है और यहाँ पर हमारे पास क्या है, सी है। अब देखो बात समझो, हमने कहा कि अब इस केस में क्या होगा भाई, इस केस में क्या होगा, तो देखो अब हमने कहा कि हम एक ऐसी रेज ले जाना चाहते हैं जो कहाँ से होकर के जा रही होगी भाई, बहुत सारी रेज होंगी, बहुत सारी रेज चली, और एक हमने एक ऐसी हमने रे को सेलेक्ट किया जो कि उसके फोकस से जाना चाह रही होगी, बट क्या सच में जाएगी वहां तक, ये पहुंच भी पाएगा नहीं, तो क्या होगा जब ये रिफ्लेक्ट होगा तो ये क्या होगा, रूल क्या है, ये क्या हो जाएगा, इसके पैरेलल ऐसे हो जाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा, मतलब ये हमारी इंसिडेंट रे थी और ऐसा लग रहा था कि हमारी ये जो रे है ना वो फोकस से होकर के जा रही है ना, इट सीम्स लाइक, मतलब हमें ये कहा कि हमारी जो रेज ऐसा लग रहा है कि ये फोकस से होकर के जा रही है, लेकिन नहीं जा नहीं रही है, मतलब ऐसा बस लग रहा है, ऐसा सीम्स हो रहा है, ऐसा हमें फील हो रहा है, ऐसा हमें वर्चुअल बातें हम कर रहे हैं, है ना। तो ऐसा अगर होगा तो इनकेस सेम वही चीज, सेम वही वाला फिनोमेना इसमें भी अप्लाई हो जाएगा, क्या कि आफ्टर रिफ्लेक्शन है ना हमारी जो रिफ्लेक्टेड रेज है वो क्या हो जाएगी, वो पैरेलल हो जाएगी। देखो इसमें रेज फोकस की तरफ जा रही है, इसमें रेज फोकस से आपकी तरफ आ रही है, समझ रहे हो, समझ रहे हो ये चीज, ये फिनोमेना है। तो देखो जब भी हमें किसी भी इमेज को अगर बनाना होता है, बात समझो मेरी, ध्यान से मेरी बात समझो, जब भी किसी भी हमें इमेज को बनाना होता है तो हम क्या करते हैं, हम किसी भी दो रूल को एक साथ अप्लाई करते हैं, कोई भी रूल। सर आपने तो अभी दो ही रूल बताया, एक और रूल है, थर्ड रूल देखो क्या है, थर्ड रूल बहुत ही आसान है, सिंपल सा है थर्ड रूल। थर्ड रूल देखो क्या बोलता है, थर्ड रूल देखो क्या, कुछ नहीं भाई, हमने कहा सर ये हमारी कोई अगर मान लो एक कॉनकेव मिरर है, ये हमारा यहाँ पर सी हो गया, यहाँ पर हमारे पास एफ हो गया। देखो थर्ड रूल क्या कहता है, थर्ड रूल कहता है कि अगर कोई भी रेज है ना, इफ अ रेज पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर, इफ अ रेज पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर आफ्टर रिफ्लेक्शन इट रिपीट्स इट्स पाथ, वो अपने पाथ को क्या करेगी, रिपीट करेगी। अच्छा ये तो सर हमने इसमें बना लिया, सर इसमें बना करके दिखा दो, हैं देखो ये भी बना, ये भी बना लो भाई, क्या दिक्कत है इसमें, ये है आपका ठीक है, यहाँ पर आपकी मान लो फोकस है और यहाँ पर आपका मान लो सेंटर ऑफ कर्वेचर है। तो हमने कहा सर इफ अ रेज पासिंग है ना, इट अपियर्स टू पासिंग फ्रॉम सेंटर ऑफ कर्वेचर, अपियर्स एक वर्ड बस ऐड कर दो, अपियर्स, ये ऐसे सीधी चलेगी एकदम ठीक है, अभी ऐसे यहां पर जाएगी तो है नहीं, यहां पर ले लो ठीक है, तो ये गई और टकरा करके वापस आ गई। अरे बस समझे, इट अपियर्स टू पासिंग फ्रॉम सी आफ्टर रिफ्लेक्शन इट रिपीट्स इट पाथ, है ना, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट रिपीट इट्स पाथ, ये बस ये कहानी है। तो इमेज का फॉर्मेशन कैसे होगा, तो किसी भी दो रेज को, किसी भी दो रूल को अगर आप आपस में एक साथ मिलाओगे तो आपको इमेज का फॉर्मेशन मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल ऐसे देखो समझते हैं, फॉर एग्जांपल हमने कहा सर मेरे पास सर ये एक था कॉनकेव मिरर था और हमने सर यहाँ पर क्या किया, कहीं भी मान लो आप यहाँ पर अपना एक ऑब्जेक्ट रख लो, क्या करो मान लो यहाँ पर आपके पास सी होगा, यहाँ पर आपके पास कहीं एफ होगा, क्या करो एक रे ऐसे ले जाओ, तो मान लो कि अगर अब देखो ये फर्स्ट रूल क्या है कि भाई ये आपने रे कैसे ले गई, आपने ये रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ले गई, तो रूल क्या कहता है कि प्रिंसिपल एक्सिस की भाई पैरेलल है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन इट पासिस थ्रू फोकस। दूसरा वाला मान लो जो है आप फोकस से होकर के ले जाओ, कैसा ले जाओ, फोकस से होकर के ले जाओ, तो फोकस से जब होकर के जब आप जब ले गए तो ये रूल क्या है, ये वाली लाइन है, समझो ये वाली लाइन है ना, तो रूल क्या है, जब जो रूल है वो ये कहता है कि आफ्टर रिफ्लेक्शन इट बिकेम पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो ये प्रिंसिपल एक्सिस क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। और जहां पर भी ये दोनों लाइन कट करी, बात समझ गया, जहां पर भी ये दोनों लाइन कट करी हैं आपस में, वहीं पर हमारी क्या बन जाएगी, वहीं पर हमारी बन जाएगी इमेज, दैट इज हमारी इमेज अब इतनी बड़ी होगी। यहां से हमेशा इमेज का हम साइज कैसे लेते हैं, हम अपने प्रिंसिपल एक्सिस के, जैसे हमने कहा भाई इतनी बड़ी ऑब्जेक्ट थी, ये ऑब्जेक्ट रखी थी और इतनी छोटी इसकी इमेज बन गई। दो बातें क्लियर हुई कैसे बनेगा, है ना, तो किसी भी दो रूल को अगर आप अप्लाई करोगे तो आपका इमेज बनेगा। जैसे मान लो आपने कहा कि नहीं 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 हम जो है अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर के ले जाएं, तो देखो ऐसे, तो देखो ये तीनों की तीनों रेज देखो कहाँ कट करेंगी, एक ही पॉइंट पर रिफ्लेक्टेड रे, याद रखना है क्या, रिफ्लेक्टेड रे कट करेगी तभी आपकी इमेज बनेगी, ठीक है, आगे बढ़ा जाए। तो अब हम लोग इससे रिलेटेड करते हैं क्वेश्चंस, मतलब क्वेश्चन नहीं, हम लोग करते हैं कि अब हम
स्फेरिकल मिरर्स में इमेज का फॉर्मेशन हम कैसे करेंगे, अब हम लोग ये देखते हैं। हमने रूल्स पढ़ लिया, बेसिकली मैंने तीन रूल्स पढ़े, अब इन तीन रूल्स के बेसिस पे हम लोग इमेज का फॉर्मेशन कैसे करेंगे वो चीज देख लेते हैं जल्दी से। क्लियर है कि बातें? बहुत आसान है, आप मेरे को कमेंट करके बताओगे हाँ सर बहुत आसान है, ठीक है। और वीडियो थोड़ा सा लंबा है बट होने दो, कोई बात नहीं है, इसको जल्दी से हम लोग फिनिश कर लेंगे, है ना, क्योंकि बहुत ही ये इजी सा चैप्टर है, बहुत ही आसान है। तो ये सब बेसिक सी बातें नहीं पता होंगी तो आप फिर ये चैप्टर नहीं कर पाओगे। चलो आप वीडियो कमेंट करोगे हाँ सर मजा आ गया पढ़ करके, ठीक है। चलो आप इतना बताओगे मेरे को। देखो बच्चे लोग, नाउ अपने हम फाइनल टॉपिक पर आते हैं, जिससे मतलब बहुत ज्यादा मेरे ख्याल से बच्चों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है इस चीज से। बहुत ही इजी है, ध्यान समझना बहुत आसान है। हम बात करने वाले हैं इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर की। कॉनकेव, हम कॉन्वेक्स मिरर की बात करेंगे और हम कॉनकेव मिरर, तो फर्स्ट हम बात कर रहे थे कॉनकेव मिरर की ना, कि कॉनकेव मिरर में जो है इमेज का फॉर्मेशन कितने तरीके से हो सकता है और इसका पीछे का रीजन क्या है। क्या रीजन है कि हम सर हम जो है छह ही तरीके से इमेज बना सकते हैं, इसका रीजन है बताते हैं आपको, ध्यान समझो मेरी बात, क्या रीजन है। फिर कॉन्वेक्स में सर इसका रीजन क्या है कि सर दो ही इमेज बनते हैं, ठीक है ना, मतलब बेसिकली एक ही है लेकिन हम उसको दो कैटेगराइज कर देते हैं, लेकिन बात समझते हैं क्या है ऐसा रीजन। तो पहले तो आप देखो ये समझो कि आखिर इसमें छह कंडीशन सर, जैसे आपने पढ़ा भी होगा या फिर आपने मान लो नहीं भी पढ़ा, तो बेसिकली हम देखो बात करते हैं, हम एक एक स्टार्टिंग से बात करते हैं कि आखिर इसका रीजन क्या है, हम इतने सारे केसेस ले क्यों रहे हैं। तो उसके लिए सबसे पहले आपको बनाना पड़ेगा, आपको एक बनाना पड़ेगा कॉनकेव मिरर। ये आपने कॉनकेव मिरर बनाया, ये आपकी प्रिंसिपल एक्सिस है, इधर वाली लाइन इमेजिनरी है। हाँ सर मैं तो नहीं कर सकता, कोई बात नहीं मत करो। देखो यहाँ पर हमारे पास क्या होता है फोकस, इधर क्या हमारे पास सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है ना, कुछ ऐसा हमारा ये स्फीयर होगा। ओके अब बात समझो, देखो हमें हम बात करें इमेज के फॉर्मेशन की। इमेज की फॉर्मेशन का मतलब क्या है कि हम अब ऑब्जेक्ट को क्या करेंगे, कहीं रखेंगे, है ना, और किस तरफ रखेंगे, इसी तरफ रखेंगे ना, इस तरफ तो रखोगे नहीं भाई, आपको अगर अपना अगर आपको फेस देखना है प्लेन मिरर में तो क्या इमेज के मिरर के पीछे जाओगे क्या, नहीं ना, उसके सामने ही तो रहोगे ना। अब डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन है, मान लो बहुत बड़ा आपको आपका आपको अगर अपना पूरा अगर इमेज देखना होता है तो क्या करते हो आप, थोड़ा सा पीछे खा सकते हो, अरे थोड़ा सा और पीछे चलो, थोड़ा सा और पीछे चलो, थोड़ा सा और पीछे चलो, तब जाकर के आपको अपना जो है पूरा इमेज नजर आता है, यही चीज है ना। तो इसमें भी कुछ वैसा ही केस है। देखो तो छह केसेस हैं टोटल, कैसे सर कैसे बता दे रहे हो सर छह केसेस, बड़ा आसान है। देखो बात समझो, हमने कहा कि मान लो हमारी कोई एक ऑब्जेक्ट है जो बहुत ज्यादा दूर है, दैट मीन्स इन्फिनिटी पर है। कहाँ पर है भाई, इन्फिनिटी पर है, बहुत ज्यादा दूर हमारी एक ऑब्जेक्ट है, पहली केस बनी, फर्स्ट केस बना देन ऑब्जेक्ट कहाँ हो, एट इन्फिनिटी, पहला केस बना। अब दूसरा केस क्या करते हैं कि इस ऑब्जेक्ट को बहुत ज्यादा नजदीक ले आते हैं, लेकिन इतना भी नजदीक नहीं, हम उसको सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे रखते हैं। तो सेकेंड केस क्या बना, जब हम अपने ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे, दैट मीन्स बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये हमारा बन गया सेकेंड केस। कौन सा केस बना, ये हमारा बना सेकेंड केस, समझ रहे, समझ गया, सेकेंड केस बना, कहाँ रख दिया, सेकेंड केस हमारा क्या, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। थर्ड केस सोचो क्या बनेगा, थर्ड केस बनेगा एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर। हमने अब अपने ऑब्जेक्ट को हमने कहाँ रख दिया उठा करके, हमने ऑब्जेक्ट को कहा चलो भाई अब जो है तुम थोड़ा सा और आगे आ जाओ, कहाँ पर आ जाओ, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर आ जाओ। तो ये आपका थर्ड केस बना। बोलो नाउ फोर्थ केस क्या बनेगा, बिटवीन द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस, बिटवीन द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। तो आपका ये फोर्थ केस बन गया, क्या बन गया, फोर्थ केस, बिटवीन द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस, दैट मीन्स आपका ये फोर्थ केस बन गया, बना ना। फिफ्थ केस क्या बनेगा, एट द फोकस। फिफ्थ केस क्या बन गया, फोकस। आपने कहा कि चलो ऐसा करो आप तुम आकर के फोकस पर ही बैठ जाओ, कहाँ आकर के बैठ जाओ, फोकस पर ही आकर के बैठ जाओ, नहीं फोकस पर आकर के बैठ जाओ, ठीक है। तो ये आपका फिफ्थ केस बना, फिफ्थ केस बना। एंड लास्ट केस आपका, देखो ये आपका पोल है, तो लास्ट केस क्या बना, बिटवीन फोकस एंड पोल, बिटवीन फोकस एंड पोल। हमने अपने ऑब्जेक्ट को कहा उछल करके आप कहाँ आ गए, एफ और पी के बीच में आ गए, दैट मीन्स ये आपकी लास्ट केस बनी। यानी कि इसमें टोटल कितने केस बने भाई, छह केसेस बने। देखो पहली चीज आपको ये समझ में आ गई, बड़ा आसान भी है फर्स्ट केस। अब याद रखने वाली इसमें कोई बात ही नहीं है, अगर आपको फिगर याद है कॉनकेव का, कॉन्वेक्स का भी बताएंगे, है ना, तो अब इजिली बता सकते हो कि हाँ भाई छह कंडीशन है, देखो ऐसे 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 होती है, हाँ सर हमको एकदम एग्जैक्टली पता है ऐसा होता है, छह केसेज हैं ऐसे ऐसे ही होती है, इनके अलावा और कुछ नहीं हो सकता, सही है ना, एकदम बिल्कुल सही है। अब हम बारी बारी से डिस्कस करेंगे कि जब फर्स्ट केस लेंगे तो उसमें इमेज का फॉर्मेशन कहाँ होगा, इमेज की साइज क्या होगी, इमेज का पोजीशन क्या होगा, इमेज वर्चुअल होगा, रियल होगा, क्या होगा, सारी चीजें डिस्कस करते हैं, रटने वाली कोई बात ही नहीं है। अब बात समझो, हम बारी बारी से डिस्कस करते हैं, ठीक है। देखो हमने कहा सर हम बात करते हैं अपने फर्स्ट केस की, फर्स्ट केस की हम बात कर लेते हैं, ठीक है। फर्स्ट केस में हमने कहा कि सर हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ है, ऑब्जेक्ट हमारी जो है वो कहाँ है, ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, है ना, इन्फिनिटी पर है। ओके
दैट मीन्स हमने कहा कि सर हमारी जो यू है ना, यू की डिस्टेंस कहाँ है, यू की डिस्टेंस कहाँ है, पोल से इनफाइनाइट पर है। ठीक, देखो इस केस में क्या होगा, इसके कई सारे तरीके हैं बनाने के, कुछ बुक वाले कैसे बनाते हैं, कुछ बुक वाले कैसे बनाते हैं। देखो हम आपको दोनों से समझाएंगे। हमने कहा सर मान लो आपके पास ये कोई एक कॉनकेव मिरर हो, बात ध्यान समझो, एक दो समझ लिए ना, बाकी तो फिर आप कहोगे सर अब आप रहने दीजिए, अब हम बना लेंगे। ये हमारा एक क्या है, कॉनकेव मिरर है, और हमने कहा सर यहाँ पे हमारे पास फोकस है, यहाँ पर हमारे पास सेंटर ऑफ कर्वेचर है, और कहीं दूर हमारी जो है, कहीं दूर से हमारी जो है रे आ रही है, कहीं दूर से हमारी क्या आ रही है, रे आ रही है। तो भाई ये रे पैरेलल है तो कहाँ से जाएंगी, फोकस से जाएंगी। ये रे कहाँ से जाएंगी, फोकस से जाएंगी। कहाँ से जाएंगी भाई, फोकस से जाएंगी। तो कहाँ पर बना, यानी कि देखो ये जो एग्जैक्टली ऐसा होगा, ये जो हमारी जो रिफ्लेक्टेड रेज हैं, ये देखो ये कहाँ से कट कर रही है, ये कट कर रही है हमारी फोकस से, फोकस पर कट कर रही है। रिफ्लेक्टेड रेज देखो कहाँ पर कट कर रही है, एक दूसरे को फोकस पर कट कर रही है। आ रही बात समझ? तो हमने कहा कि सर अगर हमारी ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पर रखी हुई है, बात समझना, ऑब्जेक्ट अगर हमारी इन्फिनिटी पर रखी है ना, हमने कहा यू हमारी कहाँ रखी है, एट इन्फिनिटी। हमारी ये रे कहाँ से आ रही है, इन्फिनिटी से आ रही है, तो उसकी हमारी जो इमेज है वो कहाँ बनेगी, वो बनेगी फोकस पर। समझ गए, वो कहाँ बनेगी, फोकस पर बनेगी। ये बात क्लियर है। देखो अब अगर हम बोलें कि भाई इसकी हमें तीन चीजें बतानी होती हैं, क्या हमें इमेज की तीन चीजें बतानी होती, क्या पोजीशन किसकी, हम बात किसकी करें, हम बात करें इमेज की, पोजीशन की है ना। तो पोजीशन देखो, तो इसकी पोजीशन क्या होगी इमेज की, एट एफ, मतलब कि अगर कोई वस्तु, कोई ऑब्जेक्ट अगर इनफाइनाइट पर रखी है तो उसकी आपको जो इमेज है वो कहाँ मिलेगी, एफ पर मिलेगी, दैट मीन्स आपको फोकस पर मिलेगी, ठीक है ना, एट एफ। दूसरी चीज हम बताते हैं उसकी साइज, बहुत ही ज्यादा छोटा, बहुत ही ज्यादा एकदम डॉट साइज का है ना, तो हम उसको कहते हैं हाईली डिमिनिश्ड। क्या कहते हैं, हाईली डिमिनिश्ड, हाईली डिमिनिश, ठीक है, बहुत ज्यादा छोटा। नेक्स्ट नेचर, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज नेचर, मतलब इस इमेज की नेचर क्या है। नेचर मैंने आपको बताया था, नेचर बेसिकली हम दो तरीके की नेचर बताते हैं, रियल एंड इन्वर्टेड, या रियल और वर्चुअल या इरेक्ट। देखो सबसे पहली चीज ये बताओ मेरे को, ये रियल होगी या इन्वर्टेड होगी। ऑब्वियस बात है, आपने कहा सर कि हमारा अगर ये कॉनकेव मिरर है, तो कॉनकेव मिरर हो या कॉन्वेक्स मिरर हो, इधर वाली पोजीशन हमारी वर्चुअल, इधर वाली हमारी पोजीशन रियल। तो हमारी ये जो हमारी इमेज बनी है वो कौन सी वाली पोजीशन में बनी है, रियल वाले में बनी है। तो हमने कहा सर रियल। अच्छा अब यहां से देखो, अगर हम इसको जूम करके देखें है ना, बहुत ज्यादा हमने बहुत ज्यादा छोटा बना है, अगर हम इसको जूम करके देखें तो ये हल्का सा ऐसे नीचे की तरफ बन रहा है, हल्का सा नीचे बना है, फोकस के हल्का सा नीचे, लेकिन फोकस पर ही है, लेकिन फोकस के हल्का सा नीचे है। तो हमने कहा रियल एंड इनवर्टेड। देखो इसको ऐसे भी करके बताया गया कि मान लो ये हमारी एक मिरर थी है ना, मान लो आपने ऐसे ले लिया, एक दूसरे बुक में देखो ऐसे भी दिया है, मान लो यहाँ पर आपके पास सी है, यहाँ पर आपके पास देखो ये एग्जैक्ट देखो क्यों नहीं बनता ना, क्योंकि हम लोग मेजर नहीं करते। अगर आप एकदम स्केल लेकर के अगर मेजर करके अगर बताओ ना, एकदम एग्जैक्ट इक्वल अगर आप इसकी डिस्टेंस लो ना, तो फिर एकदम ये सही बनता है ना। हमने कहा कि चलो ऐसा करते हैं कि एक हम रे को ऐसे पास कराते हैं फोकस से, ठीक है, तो फोकस से पास होगी तो देखो हमें पता है कि ये फोकस से अगर पास हुई है तो ये पैरेलल हो जाएगी है ना। दूसरी वाली रेज भी मान लो, हमने कहा कि चलो ठीक है, दूसरी वाली रेज भी हमारी क्या है, पैरेलल ही है, और ये हमारी जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर के जा रही है, किसे होकर के जा रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से, ठीक है। जब सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर जाएगी तो देखो यहाँ पर कहीं कट करेगी, और ये यहाँ से गई और वापस फिर ऐसे आ गई, तो देखो कहाँ कट करी, यहाँ कट करी ना, रिफ्लेक्टेड, ये रिफ्लेक्ट करी तो यहाँ कट करी, तो बहुत ज्यादा छोटा यानी कि इन्वर्टेड, ऐसे नीचे की तरफ बन रही। ये इस वाले फिगर से आपको इन्वर्टेड समझ में आ रहा होगा ना, तो कहाँ बन रहा है, इन्वर्टेड, दैट मीन्स नीचे की तरफ बन रहा है। तो दैट मीन्स मैंने आपको बताया ना इन्वर्टेड क्या होता है ना, अगर आपने वीडियो स्किप नहीं किया होगा तो, कोई पार्ट स्किप नहीं करना है, अगर करोगे तो फिर समझ में फिर आने वाला ये फिर नहीं है। ये बहुत ही बेसिक सी बातें हैं, हम लोग जो क्लास टेंथ हम लोग जो पढ़ चुके थे, ठीक है ना। ओके देखो, तो हमने कहा सर रियल एंड कैसी इन्वर्टेड है, अब आप समझो रियल एंड इन्वर्टेड तो हो गया ये, तो हमने ये तीन चीजें बता दी, क्या पोजिशन ने बता दिया सर एप पर बनेगा, पोजिशन किसकी, इमेज की, हम किसकी बात करते हैं, हमेशा हम इमेज की बात करेंगे, हमें ऑब्जेक्ट तो हमारा फिक्स है, ऑब्जेक्ट कहाँ है, इन्फिनिट पर, हम किसकी बात कर रहे हैं, बात कर रहे हैं पोजिशन किसकी, इमेज की, साइज किसकी, इमेज की, नेचर किसकी, इमेज की, ठीक है, इन केस ऑफ कॉनकेव मिरर। नाउ हम बात करते हैं सेकेंड, देखो सेकेंड केस हमने कहा कि व्हेन हमारा जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बियॉन्ड सी, मतलब सी का मतलब क्या, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर की क्या हो, हमारी ऑब्जेक्ट क्या हो, पीछे हो, बियॉन्ड का मतलब क्या, पीछे, चलो थोड़ा सा पीछे रख देते हैं, हैं, चलो भाई ठीक है। तो क्या करो, एक इमेज बनाओ, एक पहले सबसे पहले आप एक स्फेरिकल मिरर बनाओ,
ठीक है। और ये आपकी हो गई प्रिंसिपल एक्सिस, ये आपका इधर हो गया, इधर आपका हो गया एफ, इधर आपकी हो गई क्या सी। अब आपको क्या करना है, आपको एक एक ऑब्जेक्ट लेना है जो कहां रखा गया हो, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे, दैट मीन्स मान लो यहां पर आपने एक ऑब्जेक्ट को रख दिया, मतलब बनाना पड़ेगा ओके। आपने यहां पर सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे आपने एक ऑब्जेक्ट को रख दिया, और मान लो इस ऑब्जेक्ट का कुछ भी आप नाम दे दो, ए बी दे दो, ओ ए दे दो, मान लो हमने कहा सही हमारा ओ ए है, है ना, ऐसे सीधा खड़ा था ये, ऐसे ये मतलब इसका इधर सर है, इसका इधर ये पैर है। अब देखो तो फर्स्ट रूल अप्लाई करते हैं क्या, मान लो ये एक अगर ऑब्जेक्ट है तो इससे क्या होगी, इसके सर से क्या होगी, एक रेज ऐसे चलेगी इधर की डायरेक्शन में, बोलो ऐसे चलेगी ना, ऐसे चली ये रे, ऐसे चली, इसको हमने इंसिडेंट रहा रे कहा। तो ये देखो ये जो रे है वो कैसे है, हमारे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। तो जब पैरेलल है तो आपने रूल क्या पढ़ा है कि इफ अ रे इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन इट पासिस थ्रू फोकस, कहां से पास हो जाएगा, ये फोकस से निकल जाएगा। आगे बात समझ में, चलो अब एक दूसरी रेज, आपने एक और रूल पढ़ा था, अब हम एक दूसरी रेज ले जाते हैं जो कि इस फोकस से ही डायरेक्टली होकर के जा रही हो, जो कहां से होकर के जा रही हो, फोकस से होकर के जा रही हो। तो आफ्टर रिफ्लेक्शन इट पासेस, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट बिकम पैरेलल, इट बिकम पैरेलल हुआ ना, पैरेलल हो गया ना। तो देखो ये यहां पर एक दोनों को एक दूसरे को यहां पर ये कट किए, तो यहां पर कट किए, दैट मीन्स यहां से यहां तक इसकी क्या हो गई, यहां तक इसकी क्या हो गई, इसकी हो गई लेंथ, यानी कि इस इमेज की हो गई हाइट। आगे बात समझे, चलो तो हमने कहा सर अगर हम बात करें इमेज की, है ना, तो देखो इमेज की जो पोजिशन है वो कहां है बताओ, पोजिशन कहां है, तो आप क्या कहोगे, देखो बिटवीन सी एंड एफ, आगे बात समझे, बिटवीन सी एंड एफ, सी एंड एफ के बीच में है। फिर हमने कहा कि अच्छा अच्छा इसकी जो है इसकी वो बताओ, साइज बताओ, साइज कैसी है। देखो आपने कहा सर मेरा ऑब्जेक्ट इतना बड़ा था, लेकिन सर जो जो इमेज थोड़ा सा छोटा दिख रहा है ना, सही बात है, थोड़ा छोटा दिख रहा है, अगर स्केल से बनाओ तो ये एग्जैक्टली सच में ऐसा मिलेगा, छोटा ही मिलेगा और छोटा दिख भी रहा है ना, छोटा है, तो साइज हमारी कैसी हो गई, क्या हम बोल देंगे, साइज हम बोल देंगे स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से थोड़ी सी छोटी है ना, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से थोड़ी छोटी। अच्छा फिर हमने कहा कि अच्छा अब इसका नेचर बता दो भाई, इस इमेज की नेचर क्या होगी, है ना, इसकी नेचर क्या है। देखो तो हमने कहा सर रियल, क्यों रियल, क्योंकि सर ये इस तरफ है ना, इमेज मिरर है तो मिरर की इस तरफ की दुनिया भाई रियल, मिरर की इस तरफ की दुनिया वर्चुअल, तो भाई ये रियल तरफ बना है तो रियल क्या हो गया, रियल। और साथ ही साथ देखो उल्टा बना है, अभी देखो बात समझो, अभी इसका ये जो ऊपर जो सर था ना, देखो अभी सर वाला देखो पोजीशन देखो कहाँ बन रहा है, यहाँ पर बन रहा है, यहाँ पर बनाना, यहाँ पर बनाना, तो अब ये इसका हो गया ए डैश, है ना, और ये इसका हो गया ओ डैश, समझ गए, तो ये हमारा हो गया उल्टा, दैट मीन्स रियल एंड उल्टे को हम लोग क्या बोलते हैं, इनवर्टेड, क्या बोलते हैं भाई, इनवर्टेड। आगे बात समझ में, कैसे बन रहा है ये चीज, क्लियर है ये चीज बताओ, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है क्या, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है, बस सिंपल, आप मेरे साथ प्रैक्टिस करो, आपको ये छ बनाते बनाते ना, ये छह फिगर बनाते बनाते आपको एकदम आ जाएगा, कहोगे हाँ सर भाई को आ गया, आप कोई भी पूछ लो हम बता देंगे, और इसका हम आपको ट्रिक भी बताएंगे क्या है एग्जैक्टली, ये है बंदा क्या, क्या कैसे है ना। हम बात करते हैं अपने थर्ड केस की, थर्ड केस की बात कर ली जाए, देखो थर्ड केस हमने कहा कि जब हमारा जो ऑब्जेक्ट है बोलो कहाँ रख दिया जाए, अभी हमने बियॉन्ड सी रखा है, कोई जरूरत नहीं देखने की जरूरत नहीं, थर्ड केस देखो कहा क्या हो सकता है, बियॉन्ड अभी सी रखा, उठा करके सी पर ही रख दो, तो ऑब्जेक्ट एट सी, देखो अगर आपने ऑब्जेक्ट अगर सी रखा तो इसका मतलब क्या है कि आपकी जो यू की वैल्यू है, दैट मीन जो ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस है ना प्रिंसिपल फोकस से, वो 2f के इक्वल होगी भाई, आपने उठाया और डायरेक्ट उठा करके आपने एफ पर ही रख दिया, देखो कुछ ऐसे, देखो आपने कहा सर मान लो यहां पर आपके पास F था, यहां पर आपके पास C था, और आपने उठा करके इसको C पर ही रख दिया, ये समझ गए, C पर आपने रख दिया, है ना। अब देखो तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस बताओ आप क्या बोलते थे, R बोलते थे, और R इज इक्वल टू क्या होता था 2F, तो वही तो हमने लिखा है, यानी कि अब आपने U कहां रख दिया, C पर, दैट मीन्स 2F पर, अब आपकी जो ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, प्रिंसिपल फोकस है वो 2F है, क्लियर है। अब देखो सेम वही रूल फिर से भाई अप्लाई करो, तो आपने कहा सर ये मेरे पास एक ऑब्जेक्ट थी ओ ए, कुछ ऐसे खड़ा था ऐसे एकदम सर ऊंचा करके, हाँ ये इसका सर है, ठीक है। अब क्या हुआ, अब इसके एक ऐसे रे चली, तो रे देखो कैसी है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट बिकम इट पासिस थ्रू प्रिंसिपल फोकस, ये कहां से पास हो जाएगी, ये हमारी प्रिंसिपल फोकस से पास हो गई, रे को दिखाना है ना, आती हुई रेज को जाती हुई रेज को दिखाना है, ऐसे करके दिखाओगे जरूर। चलो दूसरा हमने कहा सर ठीक है, एक और हम अपना रूल अप्लाई कर लेते हैं, एक और हम जो रूल है हम अप्लाई करते हैं, कैसा करते हैं कि हम इसको जो है फोकस से ही ले जाते हैं,
कहाँ से ले जाते हैं भाई? फोकस से ले जाते हैं, ठीक है, सही से ले जाना आप, फोकस से ले जाते हैं। जब फोकस से ले जाएंगे तो देखो ये भी क्या होगी, कुछ ऐसे ही पास हो जाएगी, ठीक है ना। और ये एग्जैक्टली जब आप बनाओगे तो ये पता चलेगा कि ये जो आपकी जो ये यहाँ पे देखो कट करी है ना, तो यहाँ पर जो इमेज बनी है वो जस्ट इसके इक्वल है, यानी कि जितनी बड़ी इमेज ये थी उतनी बड़ी ये भी है, लेकिन फर्क क्या है, ये जस्ट अपोजिट है, समझ गए। यानी कि आप किसी भी कॉनकेव मिरर में उसके सेंटर ऑफ कर्वेचर पर बैठ करके आप अगर आप अपने फिगर को देखोगे तो आप सेम साइज की दिखोगे लेकिन उल्टा, कहोगे सर ये मेरा इमेज उल्टा हो गया, समझ में आ रही बात। तो बता दो इमेज की, चलो आप पोजीशन बता दो, क्या बता दो, चलो जल्दी से बता दो इमेज क्या, बताओ क्या पोजीशन, बताओ जल्दी से कि पोजीशन क्या है, साइज बताओ जल्दी से क्या है, और नेचर बता दो क्या है भाई। तो पोजीशन देखो क्या होगा, एट सी, साइज क्या होगी, साइज क्या होगी, इक्वल टू ऑब्जेक्ट है ना, ऑब्जेक्ट के साइज के इक्वल है भाई, जितनी बड़ी मान लो ऑब्जेक्ट अगर 40 सेंटीमीटर की तो इमेज भी 40 सेंटीमीटर की होगी, समझ में आ रही बात। नेचर देखो इसका कितना हो जाएगा, तो सॉरी नेचर इसका कैसा हो जाएगा, तो नेचर हो जाएगा रियल है ना, रियल साइड में बनी है और इन्वर्टेड है, रियल है और इन्वर्टेड है, ये दो चीज़ें हैं। चलो फोर्थ केस देख लेते हैं जल्दी से भाई, फोर्थ केस सोचो, बताओ फोर्थ केस बताओ क्या हो जाएगा भाई, चलो बताओ जल्दी से फोर्थ केस क्या हो जाएगा। ऑब्जेक्ट को अभी आपने कहाँ रखा, सी पर रखा ना, तो अब कहाँ रखूँ, सी और एफ के बीच में, आपने कहा कि ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ, आप कहाँ रख रहे हो, सी और एफ के बीच में रख रहे हो, कर दिया जाए। चलो देखो, तो हमने कहा मेरे पास भाई एक क्या थी, स्फेरिकल मिरर, ठीक है, और ये हमने इसका पोजीशन बता दी, हमारी एफ है और ये हमारी सी है, क्लियर है। अब हमने ऑब्जेक्ट को कहाँ रख दिया, सी एंड एफ के बीच में, चलो यहाँ पर रख देते हैं भाई, लो ये मैंने यहाँ पर रख दिया ऑब्जेक्ट को, ओ ए, क्या नाम इसका दे दिया, ये ऐसे खड़ा हुआ है, ओ ए ऐसा सीधा खड़ा है। अब क्या होगी, फर्स्ट रूल अप्लाई करते हैं, वो ये एक रे होगी जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट पासिस थ्रू फोकस। दूसरी रेज ले जाते हैं जो कि देखो कहाँ से होकर के जाएगी, तुम्हारी ये होकर के जाएगी ये इस फोकस से, है ना, इस फोकस से होकर के गई और इधर टकराई, और टकरा करके ये ऐसे फिर क्या हो गई, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो गई। तो देखो कहाँ मिली, यहाँ पर, मतलब कि बियॉन्ड सी, यानी कि जो इमेज बन रहा है बच्चे वो देखो कहाँ बन रहा है, बियॉन्ड सी, ये आपकी हो गई ए डैश और ये आपकी हो गई ओ डैश। आगे बात समझे, तो लिख दो इमेज की आप तीन चीजें बता दो, क्या इमेज की आप तीन चीजें बताओ, इमेज की आप तीन चीजें बताओगे, क्या बताओगे, पोजीशन बता दो, ठीक है, साइज बता दो और नेचर बता दो। बता सकते हो पोजीशन देखो क्या होगी, बियॉन्ड सी, साइज क्या होगी, ग्रेटर देन, अब थोड़ी सी बड़ी दिख रही है एग्जैक्टली, अगर आप बनाओगे ना स्केल लेकर के मेजरमेंट करके तो ये थोड़ी सी बड़ी हुई, देखो यहाँ पे थोड़ा सा ऐसा क्यों बन रहा है, क्योंकि हमें ये डिस्टेंस इक्वल नहीं ले रहे हैं यहाँ से यहाँ तक की, है ना, थोड़ी सी रेज पे मेरी टेढ़ी मेढ़ी हो जा रही है, तो अगर आप स्केल से बनाओगे एग्जैक्ट बनेगा। पोजिशन हो गया बियॉन्ड सी, साइज हो जाएगा ग्रेटर देन ऑब्जेक्ट, और नेचर हो जाएगा क्या, रियल एंड इन्वर्टेड, अभी भी तो उल्टा है ना, सीधा ही कहाँ बन रहा है, उल्टा ही बन रहा है। अरे बात सुनने, जो हो गया हमारा फिफ्थ केस, सॉरी फोर्थ केस, नाउ हम अपने एक और केस की बात कर लेते हैं, क्या फिफ्थ केस की बात कर लेते हैं। देखो फिफ्थ केस की, देखो अगर हम बात करें, हमने कहा सर फिफ्थ केस में, देखो फिफ्थ केस में सोचो क्या हो जाएगा, सोचो इमेजिन करो फिफ्थ केस में क्या हो जाएगा। अब आपने कहा सर इस वाले ऑब्जेक्ट को उठा करके इस एफ पर ही रख देते हैं, आगे बात समझ में, तो फिफ्थ केस में आपने कहा कि वेन ऑब्जेक्ट एट एफ, आपने फोकस पर ही रख दिया, चलो भाई देख लेते हैं क्या होगा, फोकस पर रखेंगे तो सर क्या होगा, क्या होगा। ओके, तो ये हमने बना लिया क्या अपना एक कॉनकेव मिरर, ये हमने इसकी हम थोड़ी सी इमेज मेकिंग कर दी, ये हमारा है यहाँ पर है सी और यहाँ पर है हमारे पास एफ, ओके, और हमने ऑब्जेक्ट को रख दिया है यहाँ पर और इस ऑब्जेक्ट की नाम दे दिया ओ ए, इस ऑब्जेक्ट का नाम क्या है ओ ए, ये इसकी हाइट है ओ ए। फर्स्ट रूल क्या, गिवन अ रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, भाई ये ऑब्जेक्ट है तो इससे क्या होगी, रे चलेगी है भाई, आप हो ना तो आपसे कई सारी रे चलते, तभी तो आप लोग जो आप जो है वो दूसरों को दिखाई दोगे, आपसे होकर के कोई रेज ही नहीं जाएगी तो आप दूसरों को दिखोगे ही नहीं, या तो इनविजिबल हो जाओगे है ना, या तो फिर जो है बहुत ज्यादा अगर डार्क मतलब क्या बोला जाए, बादल अगर घिर गया चारों तरफ आपके तो फिर नहीं दिखोगे, ठीक है। तो ये बात है, देखो हमने कहा कि अगर पैरेलल है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या हो जाएगी, इट पासिस थ्रू फोकस, ये पहला रूल हुआ। अब सर अब दूसरा सर क्या किया जाए, सर दूसरा तो हो ही नहीं सकता, देखो हो सकता है कुछ नहीं, क्या करो
दूसरा इनमें तीसरा भी एक और रूल होता है, क्या? ये देखो, आपने ये पढ़ा था, आपने ये पढ़ा था, कोई जरूरी नहीं है। देखो ये याद आया कि अगर इस पर फॉल हो रही, जितने एंगल से फॉल होगी उतनी एंगल पर चली जाएगी, तो आप ये भी कर सकते हो, है ना। आप ये भी कर सकते हो कि एक रेज यहां से ऐसे फॉल कराओ और इसको ऐसे दिखा दो। या एक दूसरा, आप ये देखो, बुक में बेसिकली ऐसे किया होता है, हम जो दूसरा जो बुक वाला कर रहे हैं वो करें, बस सिंपल यही वाला है क्या, कि एक रे यहां से ऐसे ऐसे फॉल कराओ, समझ गए, ऐसे ले ला दो देखो बुक में। तो देखो ऐसे लाओगे तो देखो क्या होगा, बस समझना क्या होगा। ये कैसी मिल गई? ओ, ये तो पैरेलल मिल गई। मतलब कि ये कहाँ मिलने वाली है? ये कहीं जाकर के इनफाइनाइट पर मिलने वाली है। भैया इनफाइनाइट आप समझो क्या है, मतलब इनफाइनाइट पर जाकर के मिलेगी, समझ गए, इनफाइनाइट पर जाकर के मिलेगी, मतलब कहीं नहीं मिलेगी, मतलब इनफाइनाइट पर जाकर, क्या ही बोला जाए। एक एक ये है, बुक वाले जो है ऐसा नहीं बनाते, बुक वाले देखो ऐसे बनाते हैं, क्या करते हैं ना कि वो एक रे ले जाते हैं इधर से, मतलब एक ऐसी रेज ले जाते हैं जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर के जा रही हो। मतलब भाई ऐसे भी तो रे उसकी चलेगी, ऊपर वाला खड़ा हुआ लोग भी तो उसको देखेंगे ना, कि वाला आप ही थोड़ी ना देखोगे, है ना। ऐसे चली और ये रिफ्लेक्ट हो गई, और ये रिफ्लेक्ट क्यों हुई ऐसे, क्योंकि यहां पर ये माना जा रहा है कि ये जो रे है ना वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर के जाने वाली थी। तो देखो ये कहां गई, ये भी देखो इस वाली, ये क्या दोनों एक दूसरे को कहीं भी कट कर रही है? नहीं, कहीं नहीं। जब कट कर रही है तो इस केस में हम कहते हैं कि भाई ये हमारी जो इमेज होगी ना वो कहां बनेगी, इमेज इमेज की जो पोजिशन होगी ना वो कहां होगी, पोजीशन कहाँ होगी, इनफाइनाइट पर। आगे बात समझ में, इसका साइज क्या होगा, साइज क्या होगा, वेरी 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 लार्ज, है ना, वेरी लार्ज होगा, बहुत ज्यादा बड़ा होगा, समझ गए। इसका नेचर क्या होगा, नेचर देखो क्या होगा, तो भाई इसी तरफ, भाई इनफाइनाइट में तो बन रही है लेकिन इसी तरफ तो बन रही है, मिरर के इसी साइड तो बन रही है, दैट मीन्स रियल। और इनवर्टेड अभी भी तो उल्टी है ना कहीं तो इनफाइनाइट जाकर के कटी। अब इनफाइनाइट क्या, अब डिफाइन करो भाई, इनफाइनाइट क्या है, रियल एंड इनवर्टेड। आपके लिए इनफाइनाइट का क्या मतलब है, 1 करोड़, 1 लाख, 1 मिलियन, मिलियन मिलियन लाख, क्या है, क्या है ये सारी चीजें, आप समझो। हमें नहीं पता इनफाइनाइट का मतलब, हमें बस पता है इनफाइनाइट मतलब जिसका कोई अंत ना हो। तो ये ऐसी जगह पर जाकर के मिलेगी, बस सिंपल। अब एक हमारे पास लास्ट केस। अच्छा देखो एक कॉमन चीज है, आप यहाँ पे ये देख रहे हो कि जितनी भी इमेजेस हमारी कॉनकेव वाले में बन रही वो सारी की सारी इमेजेस हमारी रियल और इन्वर्टेड है। अभी तक कोई भी ऐसा केस नहीं आया जिसमें हमें हमें जो है वर्चुअल मिले। हाँ अब एक केस आने वाला है, तो कब कब बात समझो, ना हम बात करते अपने फिफ्थ केस की, बात करते अपने किसकी, सिक्स केस की, सॉरी सिक्स केस की हम बात करते हैं। देखो हमने कहा ठीक है, हमने ये कर दिया, क्या अभी हमने फोकस पर रख दिया, अब हम कहाँ रख देते हैं, अब हम अपने ऑब्जेक्ट को जो है, व्हेन ऑब्जेक्ट बिटवीन पी एंड एफ, अब कहाँ रख दो, पोल और एफ के बीच में रख दो, क्योंकि हमने आपको छह किया तो हमने आपको ऑलरेडी बता चुके हैं कि कोई रटने वाली बात नहीं बची, बात समझना, ठीक है। हमने कहा चलो सर ठीक है रख देते हैं, आपने कहा है तो सर रखना ही पड़ेगा, रख दिया जाए भाई, ठीक। आपने कहा यहां पर मेरे पास मान लो कोई एफ है और यहां पर हमारे पास कोई एक सी होगा, और हमने अब अपने ऑब्जेक्ट को कहां रखा है, यहां पर रख दिया, समझो यहां पर हमने रख दिया, ठीक है। मान लो ये हमारी ऑब्जेक्ट है ओ ए, क्या है ये ऐसे खड़ा है, वो है ये मस्त एकदम है, एकदम ना नजदीक जाकर के इस मिरर के, तो इससे क्या होगी, इससे एक रेज चलेगी ऐसे, इस वाले मिरर पर जाकर के फॉल होगी। तो ये देखो रेज कैसी है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन इट पासिस थ्रू फोकस, ये तो रूल है भाई, रूल तो रूल, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट पासिस थ्रू फोकस, हाँ हो गया। अब एक दूसरी रेज ले जाओ, अब दूसरी रेज हम कुछ ऐसे ले जाएंगे, देखो बात समझो, ऐसे बात समझो, ये ना हमारी इमेज, ये ना ऐसे, दैट मीन्स ऐसे ले जाएंगे, ठीक है, ये मतलब कुछ ऐसे ले जाएंगे ताकि ये इस पे स्ट्राइक करे और स्ट्राइक करके वापस उसी पोजीशन पे, उसी पोजीशन पे क्यों आए, क्योंकि हमें एक ऐसी रेज ली है जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर के जाना चाह रही थी। तो चलो हमने एक रेज ले लिया, अब ये देखो, अब ये तो दोनों कहीं मिलेंगे भी नहीं, देखो क्या क्यों नहीं मिलेंगे, क्योंकि जब आप इसको जब ऐसे बढ़ा रहे हो पीछे तो ये ऐसे इधर बढ़ता जा रहा है, आप इसको जब इधर बढ़ा रहे हो तो ये ऐसे, देखो इनके बीच की डिस्टेंस देखो क्या होती जा रही है, कंटिन्यू बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है ना, इसे कहाँ ले आए, ठीक है, इनके बीच की डिस्टेंस वो कंटिन्यू बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, तो मिलेंगे है नहीं, तो क्या करते हैं इनको पीछे की तरफ बढ़ाते हैं, क्या करते हैं इनको पीछे की तरफ बढ़ाते हैं, ऐसे पीछे की तरफ हमने बढ़ाया, इसको भी हमने क्या किया, इसको भी हमने जो है पीछे की तरफ बढ़ाया,
ठीक है, समझ गया। तो ये कहीं जाकर यहाँ पर कट कर गई, तो जहां पर कट करेंगे वहीं पर हमारी इमेज, मैंने आपको क्या बताया कि इमेज कहाँ बनती है, जहां पर भी दो रिफ्लेक्टेड रेज एक दूसरे को कट करती है। तो इन रिफ्लेक्टेड रेज को हमने पीछे, हमने कौन सी वाली रेज को बढ़ाया, रिफ्लेक्टेड रेज को बढ़ाया है, रिफ्लेक्टेड रेज को हमने पीछे की तरफ बढ़ाया, तो ये जहां पर जाकर के मिली वहीं पर हमारी क्या बन जाएगी, इमेज बन जाएगी। आगे बात समझे, ऐसे बनाते हैं, समझ लो। अब इस केस में आप बता दो कि आपकी जो पोजीशन होगी वो क्या होगी, इस केस में आपकी जो इमेज बनी है ना वो मिरर के पीछे बनी है। तो भाई देखो, अगर मिरर के पीछे है तो आप इसको क्या कहोगे, आप कहोगे बियॉन्ड, आप कहोगे पोजीशन क्या हो जाएगी, तो आप कहोगे बियॉन्ड बियॉन्ड मिरर, है ना, मिरर के पीछे। और मिरर के पीछे कैसी दुनिया होती है भाई, वर्चुअल। मिरर के पीछे कैसी दुनिया, वर्चुअल। आपने वो देखा है, वो वाली अवेंजर वाली मूवी, क्या नाम था यार मूवी का, भूल गया, डॉक्टर स्ट्रेंज, कैसे वो सब मिरर में फाइट करते हैं, है ना मतलब मिरर में फाइट करते हैं और असली दुनिया पे कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब बड़ा अजीब है, वियर्ड है नहीं। तो कुछ ऐसा ही है, बियॉन्ड मिरर, है ना, बियॉन्ड मिरर है, दैट मीन्स पोजिशन हमारी बियॉन्ड मिरर हो गई। अच्छा, पोजिशन तो बियॉन्ड मिरर है। अब देखो, अगर हम बात करें, अच्छा बियॉन्ड मिरर में भी देखो, अगर हमने कहा ठीक है बियॉन्ड मिरर, चलो जान दो, हम बात करते हैं साइज की, साइज बताओ कैसी है, इतना छोटा ऑब्जेक्ट इतना बड़ा आपका जो है इमेज बन रहा है, दैट इज हमने कहा लार्जर, लार्जर देन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से बड़ा। और हमने बता दो भाई इसका नेचर क्या हो गया, तो इस केस में बच्चे आपको जो नेचर मिलेगा ना वो क्या मिलेगा, वो आपको मिलेगा वर्चुअल। एक ही तो ऐसा केस मिला सर, एंड वर्चुअल एंड इरेक्ट, क्या मिला, वर्चुअल एंड इरेक्ट, यानी कि एक ही ऐसा केस है। तो कॉनकेव, याद रखो कॉनकेव के केस में केवल एक ही ऐसा केस है जिसमें आपको इमेज कैसे मिलती है, वर्चुअल मिलती है और इरेक्ट मिलती है। इसमें आपको इमेज कैसे मिलेगी, वर्चुअल मिलेगी और इरेक्ट मिलेगी, एक ही ऐसा केस है बस। और वो कौन सा केस है, जब आपने अपने ऑब्जेक्ट को एफ और पी के बीच में रखा। देखो अगर आपने इस वीडियो को अगर कंटिन्यू अगर देखा होगा तो ट्रस्ट करो आपको हर एक चीज अच्छे से समझ में आ गया होगा। हाँ, लेकिन अगर आपने भगा भगा करके देखा होगा तो फिर वही हाल है, नहीं आया होगा कुछ भी, है ना। तो कोशिश करो कंटिन्यू देखो, भगाओ नहीं, भले ही स्पीड थोड़ी सी ज्यादा कर लो, और जैसा भी लगे आप कमेंट करके बताओ। तो ये हमने इमेज फॉर्मेशन देख लिया कॉनकेव मिरर का। आगे बस में वीडियो हो गया है मेरे ख्याल से बहुत ही ज्यादा बड़ा, कोई बात नहीं, एक छोटा सा टॉपिक और हम लोग कवर कर लेते हैं, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। चलो जल्दी से देख लेते हैं। अच्छा, इसका एक थोड़ा सा हम लोग ट्रिक देखो, देख लें मेरी बात समझो। अगर हमने इमेज को हमने बहुत ही ज्यादा, देखो बात समझना, वो हो क्या रहा है एग्जैक्टली, देखो क्या हो रहा है। अब हम इसका फाइनल कंक्लूजन की आप सर एक बार में कैसे बता सकते हो, देखो अगर डायरेक्टली अगर मान लो आपसे पूछ दिया कि चलो इमेज को जो हम इनफाइनाइट पर रख दिए, तो अगर बहुत ज्यादा दूर है तो P और F के बीच में बनेगा, मतलब कि बहुत ज्यादा दूर है एकदम साइड में है, तो ये भी इमेज भी कहाँ बन रहा है, एकदम साइड में, P और F के बीच में बन रहा है। अब हमने उठा करके हम बियॉन्ड सी ले आए, तो जब बियॉन्ड सी ले आए तो अब इमेज भी एक स्टेप आगे बढ़ जाएगी, बात समझ गए। अब अभी क्या बन रहा था कि P और F के बीच में बन रहा था, अब F पर बनेगी, मतलब ऑब्जेक्ट एक स्टेप आगे आया तो इमेज भी एक स्टेप पीछे आ रही है। अब आपने उठा करके सी पर कर दिया, समझना, जब आपने उठा करके जब सी पर कर दिया, एक मिनट, अभी हमने कहाँ रखा, हमने रखा बियॉन्ड सी, तो जब हमने जब बियॉन्ड सी रखा तो हमारी जो ऑब्जेक्ट की हमारी जो इमेज बन रही थी वो हमारी एफ पर बन रही थी, ठीक है। फिर हमने उसको उठा करके कहाँ रख दिया, सी पर, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर, तो अब हमारी इमेज की लोकेशन भी क्या हो गई, एक स्टेप बदल गई, मतलब कि अब आपने अगर एफ पर रखा है, सॉरी आपने अगर ऑब्जेक्ट को अगर सी पर रखा तो अब आपकी जो इमेज है वो कहां पर बन रही थी, वो भी आपकी सी पर ही बन रही थी, तो सी पर अगर रखोगे तो सी पर ही बनेगी और सेम साइज की मिलेगी। तो कभी भी कैसा भी घुमा करके क्वेश्चन पूछ सकता है कि किस केस में जो आपकी इमेज है, ऑब्जेक्ट की जो हाइट है और जो इमेज की हाइट है वो कब सेम होगी, तो वेन हम ऑब्जेक्ट को कहां रखेंगे, सी पर रखेंगे। फिर आप एक स्टेप और आगे बढ़े, आपने सी और एफ के बीच में रखा तो आपकी इमेज की लोकेशन भी एक स्टेप और पीछे चली गई, समझ गए। फिर आपने F पर रखा तो देखो अब पीछे गई ना, तो अब और कितनी पीछे जाएगी, दैट मीन्स इनफाइनाइट। तो बड़ी देखो इंटरेस्टिंग चीज, इनफाइनाइट पर ऑब्जेक्ट की थी ओके अगर आपकी देखो इमेज अगर इनफाइनाइट पर थी तो आपकी जो इमेज है आपकी, सॉरी ऑब्जेक्ट अगर इनफाइनाइट पर थी तो आपकी जो इमेज है वो कहां बन रही थी, F पर। अगर आपने F पर रख दिया तो आपकी ऑब्जेक्ट की, सॉरी आपकी ऑब्जेक्ट की इमेज कहां बनी, इनफाइनाइट पर। कितनी अजीब चीज है, मतलब मस्त चीज है, नहीं, ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पर, इमेज F पर, ऑब्जेक्ट F पर, इमेज इनफाइनाइट पर। लो एक स्टेप और आगे बढ़ा दो, तो अब भाई अब इनफाइनाइट के बाद अब कहाँ, अब इनफाइनाइट के बाद भी कुछ होता है क्या, ना, तो अब इधर बनेगी, समझ गया। ये चीज, ये फंडा है, याद रखोगे तो ज्यादा इजीली आप तरीके से समझ सकते हो मेरे ख्याल से, इसे भी अच्छा जो है आपको पहले वाले में समझ में आ गया होगा, है ना। तो बस प्रैक्टिस के बेस पर प्रैक्टिस करो, बहुत ज्यादा कुछ नहीं है, समझ लो केवल, ठीक है। चलो ना हम बात कर लेते जल्दी से कॉन्वेक्स मिरर की।
देखो जी, ना बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय कॉन्वेक्स मिरर। तो इसमें बेसिकली मैंने दो ही केस है सर। दो केस क्यों सर? उसमें तो हमने आपने सर छह केस बताया था सर, इसमें दो केस क्यों? चलो भाई देखते हैं भाई दो केस क्यों, क्यों हो गया भाई दो केस, रीजन क्या है, क्या रीजन है। देखो आपने कहा मान लो आपके पास ये कॉन्वेक्स मिरर है और इधर की तरफ क्या होती है, इधर की तरफ होती है एफ और इधर की तरफ होती है सी। आपने कहा सर मेरे को ऑब्जेक्ट रखना है इस तरफ, तो इस तरफ कोई ऑप्शन ही नहीं है। ऑप्शन क्या आपके पास? पहला ऑप्शन, या तो आपने ऑब्जेक्ट को इनफाइनाइट पर रखो, कहां पर रखो, बहुत दूर रख दिया, इनफाइनाइट पर रख दिया, या तो थोड़ा सा नजदीक ला करके बियॉन्ड पी, क्या बोलेंगे, बियॉन्ड पी, या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि बिटवीन पी एंड इनफाइनाइट, बिटवीन पी एंड इनफाइनाइट। पहला केस बात समझो, पहला केस व्हेन ऑब्जेक्ट सिचुएटेड एट इनफाइनाइट, दैट मींस। दूसरा केस अब क्या हो सकता है, व्हेन ऑब्जेक्ट सिचुएटेड बिटवीन इनफाइनाइट एंड पी, और कोई पॉसिबल कंडीशन है क्या बताओ भाई? इन दोनों के बीच में बोलते तो हो तो गया ना, इन दोनों के बीच में चाहे जहां भी रखो, तो दो ही तो कंडीशन बने। आगे बात सुनिए, ये रीजन है, समझ गए? अब देखो तो हम फर्स्ट इसका डिस्कस कर लेते, बहुत ईजी है। दो केस आपको क्यों मिले ये आपको अच्छे तरीके से हमने आ गया है ना। चलो हमने कहा सर क्या हो कि अब हमारा ऑब्जेक्ट क्या हो, ऑब्जेक्ट एट इनफाइनाइट, ओके इनफाइनाइट देखो रख दिया जाए। बहुत बड़ा लेक्चर हो गया यार, और एकदम मतलब दिल जो है एकदम बोरिंग बोरिंग हो गया है। देखो इधर ठीक है, ये आपकी क्या है, ये आपकी इधर एफ होगी, ये आपकी इधर सी होगी, बात समझो एकदम, नहीं कुछ नहीं, सब पानी वानी पी लो, चलो पानी वानी थोड़ा सा आप लोग भी पी लो ही लो। ओके देखो तो आपने कहा सर हमने ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा है भाई, इनफाइनाइट, और याद रखना है कि इनफाइनाइट से जब भी कोई रे चलती तो पैरेलल आती है, याद रखो। कैसे, क्या सर ने बताया है कि इनफाइनाइट से जब भी कोई रेज आती है वो पैरेलल आती है, तो पैरेलल आई, आपको पता है कि इफ अ रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन इट अपीयर्स टू कम फ्रॉम फोकस। ये क्या लग रहा है, ये आपकी तरफ आ रहा है, कैसे आ रहा है, फोकस से आ रहा है, ठीक। तो इसको जब एग्जैक्टली जब इसको जब फोकस करके देखा गया है ना, तो ये ऊपर की तरफ बना, जैसे मैंने आपको बताया था ना वो वाला केस कैसे बना था, ऊपर की तरफ, ठीक है। तो इसमें भी ये ऊपर की तरफ बन रहा था, तो आप इसकी बता दो क्या इसकी जो पोजीशन होगी, पोजीशन देखो क्या होगी, पोजीशन क्या होगी, अगर इनफाइनाइट पर है तो पोजीशन क्या होगी, एट एफ। हम ये किसकी पोजीशन बता रहे हैं सर, इमेज की पोजीशन है ना, ऑब्जेक्ट की नहीं, ऑब्जेक्ट तो हमें पता है कहां रखा गया, इनफाइनाइट पर, तो एट एफ बना। साइज बता दो भाई, साइज क्या हो गया, हाईली डिमिनिश्ड, क्या है, हाईली डिमिनिश्ड, समझ में आ गई बात। अच्छा नेचर बता दो सर, नेचर क्या हो जाएगा, नेचर देखो इन्वर्टेड है ना, मतलब क्या, वर्चुअल एंड इन्वर्टेड, क्या बोल दिया जाए, वर्चुअल एंड इन्वर्टेड, अरे सॉरी वर्चुअल और इरेक्ट है ना, ऊपर की तरफ बन रहा, सॉरी इरेक्ट है, ऊपर की तरफ बन रहा है सर, आपका लग रहा है दिमाग पर हैंग कर गया, हाँ भाई हैंग कर गया, ठीक। इतनी बात आपको समझ में आई, हैंग नहीं किया अभी भी, स्टिल बना सकते हैं अभी दो घंटे की और लेक्चर जो है बना सकते हैं, इसके बाद ही मैथ की बनानी है, ठीक। चलो फिलहाल आ जाओ, थोड़े से फॉर्म में आना पड़ेगा लग रहा है ना। चलो चलो, तो नेचर की बात हमने कर ली, वर्चुअल और क्या बन गया हमारा, इरेक्ट बन गया। अच्छा एक और कंडीशन आपने सर बताया था क्या, व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन इनफाइनाइट एंड पी, बिटवीन इनफाइनाइट एंड पी, चलो यहां पर रख देते हैं। चलो तो हमारी ये मान लो ऑब्जेक्ट है ओ ए, ये कैसे रे गई, व्हेन अ रेज, व्हेन अ इंसिडेंट रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट अपीयर्स टू कम फ्रॉम फोकस, इट अपीयर्स टू कम फ्रॉम, यहां बना लो, यहां बना लो, ठीक है, इट अपीयर्स टू कम फ्रॉम, यहां पर है फोकस, इट अपीयर्स टू कम फ्रॉम फोकस। चलो भाई एक और हमें बनाना पड़ेगा है ना, एक और बनाना पड़ेगा, तो एक और कुछ जो है ऐसे बना लेते। देखो हम एक ऐसे रे का इमेजिनेशन करते हैं जो कि डायरेक्टली कहां जा रहा हो, यहां से सी की तरफ जा रहा हो, कहां जा रहा हो, कहां जा रहा हो, सी की तरफ, बात समझना, स्केल विस्केल से लेकर के बनाओगे ना बच्चे एकदम मस्त बनेगा, कहोगे वाह सर मजा आ गया है ना, ये ऐसे गया। तो एज वी नो इफ अ रेज अपीयर्स टू गोज फ्रॉम सी है ना, आफ्टर रिफ्लेक्शन,
आफ्टर रिफ्लेक्शन इट रिपीट्स इट पाथ। तो देखो कहाँ कट करी भाई, ऐसे गई वापस आ गई, यहाँ पे कट करी, इतनी छोटी बन गई, यानी कि ऑब्जेक्ट इतनी बड़ी थी, छोटी हमारी इमेज बन गई। समझ में आ गई बात? तो क्या बता दो, पोजीशन फिर से वही क्या हो जाएगा, इसका भी पोजीशन वही है बिटवीन, अच्छा इसमें थोड़ा सा अलग है, बिटवीन एफ एंड पी एंड बियॉन्ड द मिरर, और साइज इसकी कैसी हो जाएगी, स्मॉलर हो जाएगी, और इसका नेचर कैसा हो जाएगा, वर्चुअल, और देखो सीधा है ना, जिधर ए था उधर भी इसकी तरफ मुंह है, तो वर्चुअल एंड इरेक्ट, ये बात आपको समझ में आई, ठीक है? तो आप मेरे को बताओगे हाँ सर ये मेरे को समझ में आया, भले ही वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो गया है बट उसका कोई टेंशन नहीं है, रोके वो बड़ा हो गया, आप देखो आप इसको दो बार करके देखो, आपकी क्या इतनी फ्रिक्वेंसी कम है क्या, देखो तीन बार करके देखो है। चलो तो आप ये मेरे को बताओगे बच्चे कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, ठीक है? आपको नोट्स जो है प्रॉपर मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है? तो जैसा भी लगा होगा, ये आपको चैप्टर समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, आप जरूर कमेंट करके बताओगे। ओके चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, पढ़ाई करते रहो और अपना ख्याल रखो।